गुड मॉर्निंग गाइस, शुरू करते हैं सीएम इंटरमीडिएट लॉ एंड एथिक्स ऑफ कोर्स। आप सब लोग मेरे को जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, आप ये दौरान 40 दिन में आप मेरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी वाली बात है नहीं। तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले ये बुक है, ठीक है, बुक का सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में अवेलेबल है। अगर आपने वीडियो खरीदा होगा तो आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा, जो आपका चैट बॉक्स बनता है उसके अंदर, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल में फ्री वाला है वो उसमें वाटरमार्क होगा, और जो चैट के अंदर आया हुआ है उसके अंदर वाटरमार्क नहीं लगा होगा, तो मेक श्योर आप प्रिंट आउट ले लीजिए उसका। सेकेंड थिंग सर, ये बुक अवेलेबल हो जाएगा फॉर सेल लगभग 15 जुलाई को। तो जो बच्चे सिर्फ बुक लेना चाहते हैं उनको बता दीजिएगा कि ये 15 जुलाई को बुक अवेलेबल हो जाएगा हम लोग के ऐप पे ही, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, पहले मैं आपको जैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूं कि आपको एक रफ बुक 200 पेज का और एक 100 पेज का फेयर बुक बना के लेना है। अगर आप रफ बुक 300 पेज का भी लोगे तो चलेगा, आपके 300 पन्ने में भरवा दूंगा। सेकेंडली, आप 200 पेज का अगर रजिस्टर लेते हो फेयर कॉपी तो वो भी बेटर रहेगा, आप उसमें सारी की सारी अपनी नोट्स जो आपको एग्जाम के वक्त पढ़ने की है वो अपने हिसाब से बना सकते हो। जो चार्ट्स अपन बनाने वाले हैं वो पहले आप रफ बुक में बनाएंगे, उसके बाद में आप उसको फेयर बुक में कॉपी करेंगे अपने घर पे जाके, ठीक है। जो बच्चे जहां ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूं कि भैया आपके आसपास का जो एटमोस्फियर है उसको थोड़ा रिलैक्स बनाओ By just smiling, एक मुस्कुराहट ही आपके आजू बाजू की negativity को गायब कर सकती है। तो always keep smiling, smile increases face value. अब मेरी शक्ल देख लो कैसी गंदी सी शक्ल है, but since I always keep smiling तो मैं एकदम smart लगता हूँ, ठीक है। ये मजाक वाली बात है, अपन शुरू करते हैं। सर लॉ शुरू करेंगे, मैं आपको बता दूं एकदम casual way में पढ़ाऊंगा मैं, जैसे आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अपने को बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं होना कि वो कंपनी के सीईओ ने ऐसा किया, ये फालतू की बातें आपको दिमाग में घुसती नहीं, आपके दिमाग में घुसती मेरी आपकी बातें। तो अपन अपनी अपनी बातें करते चलेंगे, कहानियों कहानियों में पूरा का पूरा लॉ खत्म हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिसने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए तो मैं आपको बता दूं, लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरप्रिटेशन होते हैं जिनको आपको समझना सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। फिर आप सिर्फ एग्जाम के लिए जितना रटने वाला पार्ट है वो कर लेते हो, एंड जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस उस पे आता है तो आपकी बच जाती है बैंड। तो मेक श्योर आप किसी भी फैकल्टी का वीडियो लीजिए, मेरा लेना, ऐसा मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं, बट लॉ टैक्स या जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, चाहे वो सीएस का हो, चाहे वो सीएमए का हो, चाहे वो सीए का हो, ये सब्जेक्ट तो आपने इसकी क्लासेस लेना चाहिए, क्योंकि फैकल्टी जो आपको इन डेप्थ नॉलेज देती है, उसका बैकग्राउंड बताती है, वो क्यों आया प्रोविजन ये बताती है, तो वो चीज आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हो। और वैसे भी सेल्फ स्टडी को जितना आपको लगता है कि 100 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में लगेंगे, अगर कोई फैकल्टी पढ़ा देंगे तो आपको 60 घंटे में सेल्फ स्टडी से डबल क्लैरिटी से हो जाएगा, तो आपका टाइम भी एक बचता है, ठीक है। सिंस आप प्रोफेशनल कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताए हुआ हूं। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम की सेल्फ स्टडी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं सर, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा सब्जेक्ट है सर लॉ। ये बुक आपको बेहतरीन वाली बुक दिख रही है, सीएमए इंटरमीडिएट का है अपना LAW, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लो जी, सही से दिख रहा है, सीएमए इंटरमीडिएट लॉ। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पहला है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, 10 से 15 मार्क का वेटेज है मिनिमम, 12 से 15 मार्क का मिनिमम वेटेज है इसका। ये चैप्टर आपको घोल के पीना है, ये चैप्टर नया है नहीं आपके लिए, क्योंकि सर आप इसको फाउंडेशन में पढ़ चुके हो। दूसरा अपने को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना इथिक्स। तीसरा जो है वो है सी लॉ, सी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स। फिर चौथा जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और पांचवा जो है पार्टनरशिप एक्ट। ये 5 टॉपिक्स आपने अगर बहुत शिद्दत से कर लिए तो आपको मिनिमम 50 मार्क आने की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है ना। ये 5 टॉपिक है, बट ये 50 मार्क नहीं होना मेरे को 50 मार्क नहीं होना बच्चों, मेरे को 75 मार्क्स होना, 75 मार्क्स के इतना बढ़ा दूंगा आपको मैक्सिमम। 75 मार्क्स के लिए जो बोल रहा हूं, जो मैक्सिमम टाइम आपको डिवोट करना है वो है 50 से 60 घंटे। तो प्लीज 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 गेट मोटिवेटेड, लॉ का इतना डरने की जरूरत नहीं है। 50 घंटे अगर आप लॉ को देते हो तो आपको 75 मार्क्स मिलते हैं भैया, और
इसको डेली रिविजन की जरूरत है। देखो बच्चे क्या करते हैं, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या टैक्सेशन है, टैक्सेशन को बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं। क्या बोल के कि भैया टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई एग्री, टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट टैक्सेशन से ज्यादा जो दिक्कत वाला सब्जेक्ट है वो है लॉ, क्योंकि लॉ आपको पहले तो पढ़ना है। अब बच्चे सोचते हैं सर सेल्फ स्टडी कर लेते, सेल्फ स्टडी से लॉ नहीं होता। मैं आपको गारंटी देता हूं सेल्फ स्टडी से लॉ नहीं होता, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी फैकल्टी से लेक्चर्स लेके पढ़ना ही पड़ेगा। सेकेंडली बच्चे सोचते चलो ठीक है यूट्यूब फ्री में देख लेंगे। भैया अगर यूट्यूब फ्री में अगर सारे लेक्चर्स बराबर इज्जत से मिल जाते थे तो मैं क्यों बेचता था, या कोई भी फैकल्टी अपने रेगुलर लेक्चर्स क्यों बेचती थी, बच्चे क्यों खरीदते थे। अब सर सेकेंड अटेम्प्ट है हमारा, थर्ड अटेम्प्ट है, तो बेटा देखो आप सेकेंड अटेम्प्ट आपको इसलिए लगा क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इज्जत से पढ़ा नहीं, थर्ड अटेम्प्ट आपको इसलिए लग गया क्योंकि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में फुकट वाले यूट्यूब के वीडियोस देखे। और मैं बता दूं आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, कोई पढ़ाई नहीं होती इज्जत से, यूट्यूब का या फ्री का जो भी चीज रहता ना अपन अपने हिसाब से देखते। अब ये कोर्स के आपने पैसे दिए हुए ना तो आप एटलीस्ट ये कोर्स देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, कोर्सेस लेक्चर्स नहीं आ रहे बराबर से, तो आप मेरे को पिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए। जेब में जब पैसे जाते हैं ना जेब से, तो आदमी वो चीज के लिए बहुत सतर्क हो जाता है, ध्यान से पढ़ता है। तो यूट्यूब का जो फ्री वाला कार्यक्रम है ना वो बच्चे अपने हिसाब से देख लेते, बोले ठीक है यूट्यूब पे ये फ्री में बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें ना जाए सेकेंड अटेम्प्ट में। अब लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो नहीं मिलते हैं मार्क, वो इसलिए क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ही आप क्या करने वाले हो, आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक रफ बुक बनाओगे 200 से 300 पेज की, और एक फेयर बुक बनाओगे 100 से 150 200 पेज की, ठीक है। और जो जो चीजें मैं बोलते चलूंगा वो आप लिखते चलोगे, ठीक है। ओके, टू स्टार्ट विथ लॉ, पहले बताओ लॉ क्या होता है, यह लॉ बनता क्यों है। अच्छा सर लॉ कौन बनाता है, पहला सवाल, लॉ बनाता कौन है, सोचो। सर गवर्नमेंट बनाती, मैं बोल रहा गलत बात है, मेरे घर पे लॉ मेरी मम्मी बनाती, मेरे घर पे लॉ कौन बनाता, मेरी मम्मी बनाती, मेरे घर पे मेरी मम्मी का चलता, गवर्नमेंट बनाती, ये डायलॉग गलत है। लॉ कौन बनाता, कंपनीज के अंदर लॉ कौन बनाता, कंपनी का खुद का जो डायरेक्टर है, जिसकी कंपनी है वो लॉ बनाएगा। मेरे बिजनेस के अंदर लॉ कौन बनाता, प्रणव सांडक एकेडमी के लॉस कौन बनाता, प्रणव सांडक, समझ रहे हो। तो लॉ ये मत बोलो डायरेक्टली कि लॉ गवर्नमेंट बनाती, ये पूछो कि कौन सा लॉ। हाँ मैं बोला कि घर के लॉ, मेरे प्रणव सांडक के या सांडक फैमिली के लॉ कौन बनाता, मेरी मम्मी। प्रणव सांडक एकेडमी के लॉ कौन बनाता, प्रणव सांडक, समझ रहे हो बात को। और देश के लॉ कौन बनाता, इंडियन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में भी दो बहुत अलग बातें हैं, मैं उसको अंदर लेके नहीं जाना चाहता हूं, लॉ बनाने की प्रोसेस वगैरह ये सारी चीजें मैं अभी उसमें यहां डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। चलो ठीक है, एक बात बता दो, कोई भी चीज लॉ बनती है तो वो एक्ट के थ्रू बनता है, पहला एक बेसिक एक्ट आता है, ठीक है। फिर जब ये एक्ट आता, एक्ट कैसे आता, पहले लोकसभा में, लोकसभा में बिल पास होता, ये एक्ट डायरेक्टली एक्ट नहीं बनता, ये एक्ट बनाने के लिए बिल पास करना पड़ता, ये एक्ट बनाने की जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट को कहां से मिली। अच्छा चल ठीक है सर, शुरुआत, लॉ कहां से बनता, मैं बोला लॉ एक्ट के थ्रू बनता, लॉ कैसे बनता, लॉ एक्ट के थ्रू बनता, ठीक है। एक्ट कैसे बनता, तो एक्ट बनाने के लिए बिल पास करना पड़ता, बिल कहां पास होता, पहले बिल पास होता लोकसभा में, उसके बाद में बिल पास होता राज्यसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया बाद में जाता और राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने पास कर दिया उसके बाद जाता सर वो प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया तो ये जो बिल है ये कन्वर्ट हो जाता एक्ट के अंदर, बराबर। हाँ तो सर ये बिल लाने की, ये बिल लाने की जो पावर है वो किसके पास है, तो बिल लाने की पावर बेटा आपको, अच्छा पहली बात सर ये फालतू का बता रहे हैं, मैं आपको अपने बच्चों के लिए रेडी कर रहा, अपने मतलब आपके मेरे नहीं रहे, आपके अपने, ठीक है ना, मेरे अपने अलग है आपके अपने अलग है, तो अपने बच्चे मतलब अपने, तेरे और मेरे ऐसा नहीं रहता, मेरे शेर ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो देखो सर क्या बोला मैंने आपको, लॉ बड़ा, लॉ आने के लिए एक्ट लगता, एक्ट कैसे आता सर, एक्ट आता बिल के थ्रू, पहले बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में, फिर ये बिल को ले जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा ने अगर हाउ बोल दिया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ने अगर हाउ बोला तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने अगर अपनी कंसेंट दे दी, हाउ बोलना मतलब कंसेंट देना, कंसेंट दिया तो ये बिल बन जाता एक्ट।
तो बिल बनाने का, ये जो बिल है, ये बिल का पावर कहां से आता? तो ये पावर होती है गवर्नमेंट्स के पास, ये जो पावर है ना ये गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अब सर आपका कहना ऐसा है गवर्नमेंट के पास, तो हमारे दिमाग के अंदर सवाल आया, बोला क्या, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट? अरे यार मतलब ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है चलो एकदम डिटेल्ड एनालिसिस। गवर्नमेंट जो होती है ना बेटा, या देश का जो डेमोक्रेसी होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिटरी, एक होता है यूनिटरी, ये लिखने का नहीं है, सिर्फ सुनने का, ये ज्ञान है। एक होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ द राइट्स जो है वो सेंटर के पास होते हैं, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। इंडिया में ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, ठीक है ना, इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी राइट है कुछ लॉ बनाने के, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट है कुछ लॉ बनाने के। अब किसके पास कौन से राइट्स है, किसके पास कौन से राइट्स है, यह बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यह बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 246 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से लॉ पे राइट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से लॉ पे राइट है, ठीक है ना। कहा आर्टिकल, मतलब शुरुआत कहां से हुई सर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत हुई। जो लॉ बनाने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं रहते, उसमें आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सेंट्रल के पास पावर है कि स्टेट के पास पावर है। कोई कोई ऐसे मैटर्स है जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए है, ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए है वो मैटर्स, और वो मैटर्स पे सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं, और अगर दोनों ने लॉ बनाया तो किसका चलेगा, सेंटर का कि स्टेट का, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें ऐसी आती है, मैं उसको भी लेना नहीं चाहता हूं, मैं आपको एक सिर्फ एक ब्रीफ ओपिनियन बता रहा हूं, एक ब्रीफ पूरा का पूरा आइडिया दे दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता लॉ बनाने का, किसको, हो सकता सेंट्रल को दे, हो सकता स्टेट गवर्नमेंट को दे, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं सर, ये बनाते हैं एक बिल, जो चीज का लॉ बनाना है ना उसका डायरेक्ट लॉ नहीं बनता है, बिल बनता है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो फिर वो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और तीनों ने अगर इसका कंसर्न दे दिया तो ये बनता है एक्ट, और ये एक्ट बनने के बाद खत्म नहीं हो जाता, एक्ट बन गया खत्म हो गया सब, ना 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 ऐसा नहीं होता है भैया। एक्ट बनने के बाद ये एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स आते हैं, कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ सर्क्यूलर्स आते हैं, क्यों, क्योंकि एक्ट को बढ़िया तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, ठीक है ना। तो रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी खत्म नहीं हो जाता, बचता है, क्या बचता है सर, फिर भी कोई ना कोई लफड़ा साला हो ही जाता, फिर लोग क्या करते, फिर लोग जाते कोर्ट के पास, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, बोले ठक 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 ठक, जज साहब ये लफड़ा हो गया, बताओ क्या करना। फिर जज साहब देता एक डिसीजन, और इस प्यार को नाम दिया गया है केस लॉज, और जो कोर्ट के डिसीजंस रहते हैं वो बन जाते हैं केस लॉज, ठीक है। और ये केस लॉज आपको बहुत है इंपॉर्टेंट, जब भी आप कभी किसी लीगल प्रोफेशन में जाओगे ना, तो अपन बात करते हैं ऐसी गरीबों जैसी, वो बात करते हैं केस लॉस के रेफरेंस से कि सीआईटी वर्सेस ये केस में ऐसा हुआ था, या रामू वर्सेस काजू केस में ऐसा हुआ था, तो वो वकील लोग जो है वो केस लॉस से बात करते हैं। अब ये केस लॉ क्या बन जाते हैं, ये केस लॉ भी एक लॉ बन जाता है, ये केस लॉ भी लॉ बन जाता है, ये केस लॉ के नाम में ही लिखा है केस लॉ, किसी केस में हुआ हुआ लॉ है ये। और ये केस लॉ सर फाइनल रहता, ये केस लॉ का जो डिसीजन है वो फाइनल रहता, अनलेस एंड अंटिल इसको ओवरराइट करने वाला, इसको ओवरराइट करने वाला कोई प्रोविजन गवर्नमेंट नहीं लाती है। गवर्नमेंट केस लॉ के जो डिसीजंस है उसको ओवरराइट करने के लिए अमेंडमेंट्स ला सकती है, ठीक है। ये बात थी अपने इंडियन जुडिशियरी सिस्टम की, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव कार्यक्रम कैसे चलता, कैसे चलता सर, वापस से एक बार बताता हूं,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है आर्टिकल 246 से किसको सर? नहीं, गलत, सॉरी, गवर्नमेंट दो टाइप की होती है सर, एक यूनिटरी गवर्नमेंट, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी में सारे के सारे राइट्स रहते सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास कद्दू रहता। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल सेंटर के पास भी राइट रहते, स्टेट के पास भी राइट रहते, ठीक है ना। और इंडिया फेडरल फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बने हुआ है जिसके अंदर आर्टिकल 246 में राइट्स दिए हैं या पावर्स दिए हैं कि कौन से चीज पे सेंटर लॉ बनाएगा, कौन से चीज पे स्टेट लॉ बनाएगा, ठीक है। जिसका जिसका जो जो मैटर है वो मैटर में वो लॉ बना सकता, जैसे आर्म्स, डिफेंस, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस, इनसे रिलेटेड पावर सेंटर के पास है। एग्रीकल्चर, मैरिज, इनसे रिलेटेड पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। हाउ फिर लॉ कैसे बनता? तो जिसके पास भी पावर है वो सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करवाता पार्लियामेंट में, लोकसभा के पास जाता, लोकसभा ने हाँ बोलने के पास ही जाता राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने हाँ बोलने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता, तीनों ने अगर हाँ बोल दिया तो ये बिल बन जाता एक्ट। बट एक्ट बनाने से काम नहीं चलता, एक्ट में कुछ रूल्स भी आते हैं प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कुछ नोटिफिकेशंस भी आते हैं, कुछ सर्कुलर्स भी आते हैं, एंड इसके ऊपर भी कोई लफड़ा रहा तो हम कोर्ट के पास जाते हैं, और कोर्ट जो डिसीजन देता है वो बन जाता है केस लॉ, और ये केस लॉ हमारा लॉ में इंक्लूड हो जाता है। एंड अनलेस एंड अंटिल ये केस लॉ को ओवरराइड करने वाली अमेंडमेंट नहीं लेके आए तब तक ये केस लॉ जिंदा रहता है, ठीक है ना। अमेंडमेंट आ गई तो ये केस लॉ ओवर रूल हो जाता है, और ये एक्ट, ये रूल्स, ये नोटिफिकेशंस, ये सर्कुलर्स, ये डिसीजंस कोर्ट के, ये सब बना के मिलके बनाते हैं लॉ। तो सर सबसे पहला सवाल आप मेरे को जवाब देंगे, लॉ बड़ा है कि एक्ट बड़ी है? ठीक है, अपने मन मन में जवाब दे दो। अभी मैं, मेरी बदकिस्मत यह है कि मैं आपको देख नहीं सकता, बट फिर भी मेरे को बताओ लॉ बड़ा है कि एक्ट बड़ा है? आपकी आवाज मेरे दिल तक पहुंच जाएंगी। सर लॉ बड़ा है, क्यों लॉ बड़ा है? क्योंकि लॉ के अंदर एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। ओके, ये बात हो गई लॉ कैसे बनता, ठीक है। अब लॉ क्यों बनता है यहां भी तो बोलो, लॉ बनता क्यों है सर? लॉ बनता क्यों है सर? हमको ये लिखना है क्या? ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाना, ठीक है ना। ये कैसा है, ये जब चार लोगों में अपन बैठते ना तो उनको बताने के लिए, अपनी इज्जत, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ये चीजें जरूरी रहती, ठीक है ना। और देखो भैया, जो बिकता दिखता ना वही बिकता, तो दो बातें मालूम है तो बता देने का गप कैसे, ठीक है। हाँ क्यों? अरे रेप्यूटेशन बढ़ती है अपनी, रेप्यूटेशन, यू नो रेप्यूटेशन, यू डोंट नो, अरे रेप्यूटेशन रे मेरे बच्चे। ओके सर, ठीक है। हम लोग है ना, मैं एक बहुत छोटे गांव में हूँ, मतलब छोटे गांव में रहता हूँ, अभी तो आई स्टे इन पुणे, बट मैं पहले जो मेरा बेसिक गांव है वो बहुत छोटा गांव है, मतलब इतना छोटा कि वहाँ अभी भी मिक्सर नहीं मिलते, ये हैंड ब्लाइंडर्स नहीं मिलते, घड़ियाँ नहीं मिलती अच्छे अच्छे कंपनियों की, घड़ी की दुकान नहीं है, इतना छोटा गांव है मेरा। तो वहाँ लोग क्या करते मालूम है? अपन बोलते ना गलत फहमी हो गई, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, तो लोग बोलते कि गलत फैमिली हो गई। अब सारा बचपन में मैं छोटा था, मैं वही रहता था, तो अपने को उतना ही समझता था, तो मैंने बोल दिया कि कहीं गलत फैमिली हो गई। साला मेरा एक दोस्त बोलता, भाई गलत फैमिली कैसे हुई? मैंने बोला क्यों रे भाई? तो बोले भाई गलत फैमिली नहीं होती, वो गलत फॉर्म ही होती है। तो लोग बोलते गलत फैमिली हो गई, लोग मेरे को क्या मैसेज डालते मालूम है? डाउट सर, आई हैव अ डाउट। और डाउट की स्पेलिंग क्या होती है मालूम है? DAUGHT। अरे डूब के मरो, शर्म करो, आप छोटे गांव में पैदा हुए, गलती नहीं आपकी, अगर आपने नहीं सीखा तो आपकी गलती है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अब बताओ मेरे को बेसिकली लॉ बनता क्यों है? आज का ज्ञान था वो, लॉ बनता क्यों है? सर लॉ बनता है क्योंकि हमको, जब हम सोसाइटी में रहते हैं ना तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जब तक हम पे कंट्रोल नहीं है ना तो हम खुले सांड के जैसे घूमते हैं। तो लोगों को बराबर से कंट्रोल करने के लिए, इज्जत से रखने के लिए गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है लॉ। गवर्नमेंट लॉ क्यों बनाती? फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। सर सोसाइटी की क्यों बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं जब सोसाइटी आती है ना
तो बाई सोसाइटी आई मीन पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स, और ये ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली हर चीज में ह्यूमन बींग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. तो लॉ जब अपन बात करें तो लॉ रहते रूल्स, लॉ रहते रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डिसिप्लिन्ड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी. ये नॉर्मल लॉ की बात है. कुछ कुछ स्पेसिफिक लॉज बनते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, जैसे कंपनीज के लिए कंपनी लॉ, पार्टनरशिप्स के लिए पार्टनरशिप लॉ, सेल चीजों को बेचने खरीदने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने लोगों से कैसे कलेक्ट करना है तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी कैसे करना है उसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. तो ये सारी चीजें, अब दो चीजें हैं, एक तो स्पेसिफिक लॉज और दूसरा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए लॉज. एक कमर्शियल लॉ होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल लॉज भी होते हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं. इंडस्ट्रियल लॉ मतलब फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट. फैक्ट्रीज एक्ट क्या बताता, सर फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए लॉ बने हुआ है कि भैया कब से कब तक आना, कब से कब तक आना. उसके अंदर लोगों का ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते उसको, यार शोषण नहीं होना चाहिए, मतलब अनफेयर एडवांटेज नहीं लेना चाहिए फैक्ट्री के मालिक ने उसके लेबर्स का, उनके लिए बनता है. लेबर लॉज होते हैं, समझ रहे आप, वर्कर्स के लिए. तो ऐसे बहुत तरह तरह के लॉ बने हुए हैं इंडिया के अंदर. लॉ बेसिकली होता क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अपन सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सिंस ये टॉपिक आपको सीएमए इंटरमीडिएट वालों को सीएमए फाउंडेशन में भी था, तो अपन वो चीजें जो एमसीक्यूज में आ सकती है उसको बताऊंगा. मैं उम्मीद करके चलता हूं एक बार आपको पता है ये, ठीक है. सर देखो, ऑल ऑफ अस एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे नोइंगली और अननोइंगली. हम सारे लोग, ऑब्वियस सी बात है, हम रोज कितने ना कितने तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर दूध वाला जो आपके घर पे आता है वो आपको दूध डिलीवर करके देता है, आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भैया रोज सुबह मेरे को दूध ला के देना, बराबर. हाउ, आज मेरे घर पे एक मोबाइल की डिलीवरी आई, कैसे लाया उसने, क्योंकि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया तू मेरे घर पे डिलीवरी ला के देगा मोबाइल की, तब जब तू लाएंगा ना तब मैं तेरे को बदले में 25,000 रुपए दूंगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट था मेरा उसके साथ. अब सर, ओ हो सर तुमने तो वो कर दिया जो लिखे हुआ है. मैंने बोला हाँ, तो इसके लिए एक्ट बने हुआ है. अगर ये चीज मैं अपने मम्मी को बताऊ ना कि मम्मी तू जो तेरे भांडे वाली बर्तन वाली के साथ तेरा जो क्या बोलते उसको टर्म्स फिक्स्ड है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते, और वो मैं पढ़ा था, माय मॉम वुड बी लाइक ओ माय गॉड प्रणव, जो चीज मैं रोज करती वो तू पढ़ा था. मैंने बोला तो हम लोग रोज तरह तरह के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में नोइंगली या अननोइंगली एंटर करते हैं. आपकी मम्मी हर छोटे से छोटी चीज, ठीक है. द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ है. इसका नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कब आया था, 1872. ये दोनों का 9, ये दोनों का 9. पहले दो लेटर्स का टोटल होता है 9, दूसरे दो लेटर्स या वर्ड्स का टोटल होता है 9 नंबर का, ठीक है. सर ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं 1782 में बहुत कंफ्यूज हो जाता, मैं सीरियसली कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने ये बताया भाई. ये आपको कोई बताएंगा नहीं, एकदम नॉनसेंस चीज है, बट मैं कंफ्यूज होता ना, और मैं होता तो आप भी हो सकते किसी ना किसी दिन. एग्जाम के प्रेशर में 3 घंटे जो रहते ना उसमें आदमी का दिमाग नहीं चलता. तो पहले से ये चीज क्लियर होना, क्या सर देखो, पहले 1872 है, 8 और 7 है, तो पहले दो जो नंबर्स है उनकी टोटल 9 है, और आखिरी के जो दो नंबर्स है उनकी भी टोटल 9 ही है. तो आप याद रखना टोटल 9 होती है पहले दो डिजिट्स की और लास्ट के दो डिजिट्स की. तो अगर आपको 1782 को कभी गसाई लगे ना तो इनकी टोटल मारना, ये आएगा 8 और ये आएगा 10. तुम मेरे को याद करोगे नहीं प्रणव चांडक ने बोला था 9 टोटल है, ये गलत आंसर है, ये सही है, ठीक है. ओके सर, कब आया ये 1872 आया है, 1 सितंबर 1872 को, ये 1 अप्रैल 1872 को नहीं आया, 1 सितंबर 1872 में आया है. कब आया भैया ये, 1 सितंबर 1872 को. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
कुछ दिनों में जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाएगा टोटली, तो ये शायद हट सकता, बट अभी तक नहीं हटा, तो अपन अभी यही लेके चलते, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लगता है। जम्मू एंड कश्मीर की बहुत अलग सी प्रोविजंस है क्योंकि वो उसको एक स्पेशल दर्जा दिए हुआ है, ठीक है। ये एक्ट आया कहां से? तो देखो सर, ये एक्ट है ना 1872 में आया, अपने को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, इसका मतलब ये एक्ट प्री इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के पहले बने हुआ है ये एक्ट। मतलब ये किसने बनाया होगा 1872 में, अपने ऊपर किसका राज था? इंग्लैंड, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट पास की है ये ब्रिटिश इंडिया ने पास की है, इंडिया ने नहीं पास किया, ब्रिटिश इंडिया, तब ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था उसको, इट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, ऑब्वियसली तब अपने ऊपर किसका राज था? इंग्लिश, गोरो का, और गोरो के पास में जो जो लिखा था ना हमने भी वही छाप डाले हुआ है। तो मोस्टली जो चीजें हैं, जो मोस्टली चीजें होती है ना, वो चीजें अपने को इसमें से ही ली हुई है, कहां से? इंग्लिश लॉ से। और इसीलिए अपने को बहुत जगह इंग्लिश लॉ में ऐसा है, इंग्लिश लॉ में वैसा है, ये बातें बताई भी गई है, ठीक है। ओके, चैप्टर कितने हैं सर? 11 चैप्टर्स है। देखो जो चीजें पिंकी पिंकी वॉट कलर है ना, वो आपको एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स सबके लिए काम की है, तो पिंकी पिंकी वॉट कलर पे ध्यान रखा जाए। इसके अंदर, ये एक्ट के अंदर 11 चैप्टर्स है, ठीक है, 11 चैप्टर्स है और दो पार्ट है। पहला पार्ट है 1 से लेके 75 तक, एक से लेके तो 3 क्वार्टर तक, एक क्वार्टर होता है 25 का, 25 25 25 100, ठीक है ना। तो 3 क्वार्टर, 1 से लेके 3 क्वार्टर तक जनरल प्रिंसिपल्स है, नॉर्मल वाले, ठीक है ना। और स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 124 से लेके 238 तक, ठीक है। कितने सेक्शन है सर? पहली बात, 11 चैप्टर्स है, इसके अंदर कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स है सर। हमको चैप्टर वाइज पढ़ाओगे? मैंने बोला बावले हो क्या, ये चैप्टर्स आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखना है, तो अपनी बुक के अंदर लिख के रख दो 11 चैप्टर्स, ठीक है। सब जो आपकी रब बुक है उसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे 1 सितंबर 1872, ठीक है। दूसरा डायलॉग लिखेंगे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब वहां पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन मत लिखने बैठना कि इट वॉज, ठीक है ना, ये कब आया था, ये 1 सितंबर 1872 को आया था, इतना पूरा मत लिखते बैठना। बुक के अंदर क्या क्या लिखना है? 1 सितंबर 1872, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पूरे इंडिया को लगता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के लिखने का बना। देखो जिसने लिखा नहीं, मैं बोल रहा शादी के पहले दिन रात में बीवी भाग जाएंगी, और लड़कियों का है तो उनका भी वैसे पोट्टा भाग जाएगा, ठीक है ना। अपन बहुत खराब, देखो मैं ना, वो मेरी काली जुबान है, मेरी मम्मी बोलती है, नहीं ये तो पिंक है, बट मम्मी बोलती बेटा तेरी बहुत काली जुबान है, तू जो बोलता ना हो जाता, तो ऐसा करने का नहीं, जो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखने का। 1 सितंबर 1872, ये भी आप रफ में लिखेंगे, क्लास के बाद में इसको फेयर करेंगे, ठीक है। 1 सितंबर 1872 आया था, 1872 आया था, पूरे इंडिया को लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बराबर। कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स, इसके अंदर 11 चैप्टर्स है, ठीक है। दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है इसके? 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है जो आपको जनरल बताता है, पहला पार्ट है आपको जनरल बताता है, इसके सेक्शंस कहां से कहां तक है। अच्छा पहले बताता हूं 11 चैप्टर्स, एंड वही लिख देना 266 सेक्शंस, कितने? 266 सेक्शंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, 1 से लेके 75 तक, बोले 3 क्वार्टर तक, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी इंसान की दारू पीने की, तो 3 क्वार्टर तक जनरल रहता, 1 से लेके 3 क्वार्टर तक आदमी जनरल रहता, तो 1 से 75, ठीक है। देखो एग्जाम्पल सुन के मजे लेने का, 1 से 75 तक, 75 मतलब 3 क्वार्टर रहता, 1 क्वार्टर रहता 25 का, दूसरा 25, तीसरा 25, और 4 क्वार्टर मतलब 100 होते हैं, ठीक है। हाँ तो ये 75 मतलब 3 क्वार्टर, 1 से लेके 3 क्वार्टर तक मतलब 75 तक आदमी जनरल नॉर्मल रहता, तो जनरल प्रोविजंस दी है 1 से लेके 75 तक, और स्पेशल जो प्रोविजंस दी है, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो दिए हुए हैं 1, 2 का 4, 2, 3 का 8, माय नेम इज जेट, ठीक है ना, 1, 2 का 4 से लेके तो 238 तक,
124 से लेकर 238 तक जो सेक्शंस है उसके अंदर दिए स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एजेंसी चैरिटी सॉरी एजेंसी बेलमेंट प्लेज गारंटी, ये सारे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, वो भी पढ़ने वाले पर, ठीक है। एक से लेके 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स, 124 से लेके 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने बोला बराबर यही बोलना चाहते हो सर? मैंने बोला हाओ। सर फाइनल है क्या? मैंने बोला हाओ। अब एक गलती हो गई तुमसे। मैंने बोला क्या? बोले ऊपर आपने लिखा है 266 सेक्शंस है। मैंने बोला हाओ। तो फिर यहां तो आपने 1 से 75 और 124 से 238 तक की बोला, तो ये 76 से लेके 123 तक और 239 से लेके 266 तक सेक्शन क्या तुम्हारे ससुर लेके गए क्या? अरे अरे, मैंने बोला शिट, गलती हो गई। अब मैंने बोला रुक मुन्ना रुक, ये जो है ना, ये पहले सेल से रिलेटेड प्रोविजंस थी, कैसे रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड, और ये पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थी, ठीक है, ओके। तो ये बातें अभी आपको यहां पे दी हुई है। एट इट्स फॉर्मेशन, जब बना था ना 1872 में 266 सेक्शंस थे भैया इसके अंदर, बट जब 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना तो 76 से लेके 123 तक के जो सेक्शंस है जो सेल से रिलेटेड थे वो चले गए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अब जब उसका स्पेसिफिकली देखो, 76 से लेके 123 जो सेक्शंस थे वो काय के थे? सेल के, जो सेल गुड्स का होता ना उसके सेक्शंस थे। अब जब उसका 1930 में अलग से एक्ट बना तो उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों रखने का है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग चीजें हैं सेल ऑफ गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अलग से एक सेक्शन भी है, मतलब दो दो जगह होना क्या तुमको? ये भी होना वो भी होना जमता नहीं। फिर ये जो सेक्शंस है ना 76 से लेके 123 तक, इनको डिलीट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और एक नया एक्ट बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। 1932 में उनको समझ में आया कि अब पार्टनरशिप भी बहुत हो रही है, लोग खपाल पार्टनरशिपा कर रहे हैं, पार्टनरशिपा मतलब पार्टनरशिप्स, अपनी लैंग्वेज ऐसी चाहे सर बदलो ना मैं ऐसा अच्छा हो, ठीक है। 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया, ठीक है ना, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टनरशिप की प्रोविजंस थी ना वो भी यहां से डिलीट कर दी गई, जिनका सेक्शन थे 239 से लेके 266 तक, तो इनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट से डिलीट कर दिया गया और पार्टनरशिप एक्ट में अलग से डाल दिया गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में एक डायलॉग लिखे हुआ है, द एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। बताता हूं, इट लेड डाउन दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दो इट इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लॉ ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट लेज डाउन, ये एक्ट में लेज डाउन, इट लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दस इट इज नॉट अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लॉ ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है मैं बताता हूं आपको, अभी ये डायलॉग क्या बोलता है आपको, ये सिर्फ समझने के लिए काम का है। देखो सर, तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके आए, बराबर एक डायलॉग होता है, ये इसके अंदर होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, नेक्स्ट लाइन में ही लिखा है, जो पार्टीज है ना जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जैसा समझ लो मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात बताता हूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये डोमेस्टिक लॉ है, ये डोमेस्टिक लॉ है, मतलब क्या है, ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली कभी भी जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते ना तो आप जो मन में आए वो बना सकते हो, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना जैसी आपको लगती आप वैसी टर्म्स एंड कंडीशंस डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरे भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करे हुआ है मालूम है आपको, हम दोनों ये बेड इधर रहना, इस पे कूद के भका भक भुक्के मारते एक मेक को, अरे मेरे को कोई आपत्ति नहीं, उसको कोई आपत्ति नहीं, हम WWE खेलते हैं, आपको क्या सर कैसा, अरे मैंने बोला भाई देख ये मेरा और उसका मैटर है, हम लोग जो चाहे वो करें, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मेकर ऑफ लॉ फॉर देमसेल्फ। हमारे घर के अंदर चार लोग हैं, मम्मी पापा मैं और प्राची मेरी बहन, हम चार लोग हैं, ठीक है। मेरे मम्मी ने रूल बनाया हुआ है, खाना खाना है तो 11 बजे खाने का, नहीं तो खाना दूंगी नहीं। सर ये गलत है, क्योंकि
आदमी को खाना तो अपने पेट के हिसाब से खाना चाहिए ना, जब भूख लगती तब खाना खा लेना चाहिए। अब किसी को, कोई मेरे जैसा आदमी 10:30 बजे उठा, मैं आज मैं 10:30 बजे उठा और मेरे को उठते से ब्रश करा, घर 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 और खाना खाने जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे लॉ है, ये रूल बने हुआ है, ये गलत है सर। पर क्या करते, हम कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज है और हमारे घर पे मम्मी की चलती, क्या करना है बताओ, छोड़ के जा नहीं सकता। तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मेकर ऑफ लॉ फॉर देमसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताता है कि ये चीजें लगेंगी। इसके अलावा जो पार्टीज है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जैसा चाहे वैसा टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं और कोर्ट वो चीजों का कॉग्निजेंस लेता। अरे 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 क्या बोला मैंने, बताया वापस, जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जैसा चाहे जो चाहे वो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते, एंड कोर्ट वो चीज का कॉग्निजेंस लेता। अरे 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 बहुत जबरदस्त वर्ड है सर, क्या बोल रहे हैं सर, कॉग्निजेंस। एंड जो लॉ है, जो कोर्ट है, वो चीज को कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेना मतलब उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको बोलते चलो ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है कोर्ट कि भाई ठीक है, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप डालो जो मन में आया वो कंडीशंस, बस एक बात हमारी है, क्या बात है, वो जो कंडीशंस है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। मैं और मेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हम दोनों आपस में ना, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बोला मैं दिन में तेरे को 10 ढूसे मारूंगा, तू दिन में मेरे को 10 ढूसे मारना, चलता क्या, हाउ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, हम दोनों एक पिक को मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि देख अमोल, अमोल मेरा भाई है, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स आपको फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, प्राची आती रहेंगी, अमोल आता रहेगा, तो ये लोग मेरे भाई है आप समझ लो, ठीक है। हाँ, और वैसे भी आपको इतना जानना जरूरी है मेरे लिए, मेरे बारे में, अमोल हमने, मैंने, हम दोनों, मैंने और अमोल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने बोला देख बाजू में अपने शर्मा जी रहते, शुभम शर्मा नहीं बना, हाँ शुभम शर्मा कौन है, वो प्रणव चांडक एकेडमी का मालिक है, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो शुभम शर्मा, वो वाले शर्मा जी नहीं, हमारे घर के बाजू में एक शर्मा जी है, मैंने अमोल को बोला देख मैं अपन कॉन्ट्रैक्ट करते, बोले क्या भाई, बोला देख सुबह सुबह मैं भी शर्मा जी को 2 ढूसे मारूंगा और तू भी शर्मा जी को 2 मारना, चलता क्या, नहीं चलता, ऐसा ऐसा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि सर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मेकर ऑफ लॉ फॉर देमसेल्फ। मैंने बोला बरोबर है, पर भाई ऐसे थोड़ी चलेंगे ना, इसके वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा ना, हम दिवाली में फटाके जलाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, मेरा और मेरे भाई का कॉन्ट्रैक्ट है, हम दोनों ने अग्रीमेंट करे हुआ है, वी अग्रीड ऑन दिस कि अपन दिवाली में ये बार 1,00,000 रुपए के फटाके जलाएंगे। बोला तेरा भाई ठीक है जलाओ, बट मैंने बोला वो आदमी के पाव के नीचे जलाएंगे तो गलत है, ये गलत है क्योंकि दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो लॉ क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, जो पार्टीज है ना जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप अपने हिसाब से लॉ बनाओ और हम वो लॉ का, हम मतलब कोर्ट, कोर्ट आपके लॉ का कॉग्निजेंस लेगा, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब हम आप दोनों के आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम मानते हैं। बट याद रखना वो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के वजह से जनरल पब्लिक को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए। आप स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, बाद में बोलोगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे पास मत आना, ऐसी वाली बात है, वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट, वो बाद में बताता हूं, ठीक है, ओके सर। और द एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब किसी का अगर परंपरा चल रही है, लोगों का ऐसा है कि भैया 4 दिन के अंदर पैसे देते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा कस्टमर कार्यक्रम है कि जो भी डिलीवरी होती है उसके पैसे 4 दिन के अंदर देते हैं, ठीक है ना, डिलीवरी होती है उसके पैसे 4 दिन के बाद ही दिए जाते हैं। बट एक्ट के अंदर बोले हुआ है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम इज द एसेंस, मतलब यार जो पेमेंट रहता ना, पेमेंट वो एसेंशियल है, वो आपको देना पड़ता, ऐसा एक्ट के अंदर लिखे हुआ है। बट यार हमारे यहाँ पे कस्टम है, हम 4 दिन के अंदर ही देते, 4 दिन के बाद ही पेमेंट देते, तो ठीक है ना, एक्ट बोलता ठीक है आपका कस्टम है ना,
तो हम आपके रीति रिवाज परंपरा के अगेंस्ट नहीं आएंगे, बट आपकी परंपरा सही होने को ना, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्ट के अंदर सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स बताए कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है ना, ये कंप्लीट एक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होते, एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारी की सारी चीजें इतना है। इसमें से मैंने आपको जो जो लिखा है, जो जो पिंकी पिंकी वॉट कलर में है, वो एमसीक्यूज के लिए काम का है, उसके अलावा कोई काम का नहीं है। इसको याद भी मत करना, इसको लिखना भी मत, सिर्फ जो चीजें मैंने आपको बताई वो काम की, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन डे टू डे यूज, ये एग्जाम के लिए नहीं है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मेकर ऑफ फॉर लॉस देमसेल्फ, मैंने बता दिया था आपको ये, ठीक है। व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर पार्टीज कैन फ्रेम एनी रूल दे वांट, कोई भी रूल बना सकते हैं, एंड लॉ टेक्स कॉग्निजेंस रिकॉग्निशन ऑफ द डिसीजन, मतलब जो आपने रूल बनाया ना उसका लॉ रिकॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, आपकी बात को मानता है। इफ रूल्स मेड बाय द पार्टी आर नॉट लीगली प्रोहिबिटेड, वो लीगली प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इफ रूल्स आर लीगली प्रोहिबिटेड कोर्ट विल नॉट रिकॉग्नाइज सच एन एग्रीमेंट, अगर आपने कोई ऐसा रूल्स डाले हैं, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाली है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो कोर्ट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोर्ट उनको नहीं मानेगा, और फिर वो केस में अगर कुछ लफड़ा हो गया तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा ये। मैंने बोला ठीक है रुक जाओ, देखो बेटा ये जो अपनी बात है ना कोर्ट की, हाँ देखो अभी क्या हो गया, मैं कौन हूं, प्रणव चांडक, मेरा भाई है अमोल चांडक, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने बोला देख अमोल, मेरे घर के बाद में है ना बाजू में एक पड़ोसी है, उससे मेरे को बहुत ही खुन्नस है, ऐसा मारने का ही मन करता, तो मैंने हम दोनों ने, और सेम चीज अमोल के साथ भी है, उसको भी खुन्नस है, तो हमने दोनों ने एक बीच में अग्रीमेंट किया आपस में। अग्रीमेंट करना मतलब दो पार्टी जब किसी एक चीज पे अग्री करती है तो उसको अग्रीमेंट बोलते हैं अभी के लिए। तो हमने अग्री किया कि भाई देख अमोल, ये बाजू वाला जो है ना नेबर अपना, जो NEI GH BOUR अपना जो नेबर है, दोनों में से जो भी ये नेबर को मारेगा, बोला रोज जाते जाते इसके सर पे एक टपली देके जाने का, तो वो भी बोलता भाई ठीक है। मैंने बोला जो देगा ना उसको दूसरा 500 रुपए देगा, मतलब अगर अमोल ने उसके सर पे टपली दिया तो प्रणव उसको 500 रुपए देगा, और प्रणव ने अगर टपली दिया तो अमोल उसको 500 रुपए देगा, ऐसा हमने अग्रीमेंट करे भाई, ठीक है। ये अग्रीमेंट हो गया, मान के चलो अभी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है अभी के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा, फिर मैंने दिया टपली उसके सर पे, किसके, नेबर के, हमारा जो भी पड़ोसी है उसके सर पे टपली दिया, और मैं अमोल के पास आया, बोला भाई 500 रुपए दे, मैंने उसको दे के आया, मतलब खट के बजाई उसके नीचे, तो अमोल बोलता मैं नहीं देता। मैंने बोला देख अपनी बात हुई थी, तू अमोल 500 रुपए दे, अमोल बोलता मैं नहीं देता, मतलब देख बरा तू 500 रुपए दे बेटा, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने भी पड़े हुआ है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, तू मेरे को 500 रुपए दे नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। वो बोले नहीं देता, मैं गया कोर्ट में, मैंने बोला देखो साहब हमारी है ना ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने उसके कान के नीचे बजाया, ये 500 रुपए नहीं दे रहा। कोर्ट क्या बोलता, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ना तुम्हारी, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव था ना कॉन्ट्रैक्ट का, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, आप ऐसा लोगों के साथ नहीं कर सकते। मैंने बोला सर ठीक है गलती हो गई, तो बोले ठीक है ना, हम ये कंडीशन को नहीं मानते, हम ये कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं मानते, तो कोर्ट मेरी मदद नहीं करेगा। अगर आप इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो या अगर आप कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो कोर्ट आपकी मदद नहीं करता। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो कोर्ट आपको इंसाफ नहीं दिलाएगा, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही मना किया था ऐसा मत करना। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं, ये बोले सर कोर्ट में नहीं जा सकते, अरे अगर कोर्ट में गए भी ना, कोर्ट ने पहले बोले भाई कि ऐसा करना मत, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे पास आना मत, हमारे पास आए तो हम इसको एनफोर्स नहीं कराएंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। जैसे एक बहुत बचपन का मेरा एग्जाम्पल है छोटा, मेरी बात सही में ऐसा करती थी दोपहर में, तो मैं हूं आदमी सादा, मेरी मम्मी मेरे लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सब यही छे, भगवान यही छे सब, ठीक है।
अब मम्मी ने पहले ही बचपन में बोला था मेरे को कि बेटा देख दोपहर के अंदर तू खेलने मत जाना। मैं गया, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, मेरे साथ हो हुआ है। मम्मी ने बोला था दोपहर में खेलने मत जाना, अगर तू गया और कुछ हुआ तो रोते रोते मेरे पास नहीं आना। मैं गया बचपन में स्कूल, वो मंदिर था, हम लोग वहाँ छुपा छुपी खेलते थे, वो जो परिक्रमा मारते ना वहाँ पे, वहाँ नई टाइल्स लगी थी, कोंटा बाजू का मेरे घुटने के अंदर इतना बड़ा छेद हुआ, इतना बड़ा, ऐसा फक्के से टाइल गई पाँव के अंदर, खून खून खून, पानी पानी पानी, ऐसा पानी मांग रहा मैं, खून निकल रहा इतना, ऐसा फेड आउट हो रहा था मैं घर पे आया, गेट नॉक किया, ठक 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 ठक, मम्मी बोला लग गया, मेरे मम्मी ने गेट बंद कर दिया। इतनी बेहर है माँ मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। मेरे मम्मी ने गेट बंद कर दिया ये बोल के, तेरे को पहले ही बोला था ना दोपहर में खेलने नहीं जाना मंदिर के अंदर, वहां पे नई टाइल्स लगी हुई है, लग जाएगा, लगा ना, जा अब जा। फिर मैं बड़े घर पे गया मेरे, वो तो अच्छा हो गया, मेरा पट्टी वट्टी इलाज करवा दी मेरी बड़ी मम्मी ने। तो ये मम्मी ने क्या बोला था मेरे को, दोपहर में खेलने मत जाना, अगर तू गया और कुछ गलत हुआ तो मेरे पास मत आना। वैसे ही कोर्ट बोलता कि बेटा ये चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, तुमने किया और फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मत आना। ये चीज है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये रहता। अब ये चीज बहुत आगे आएंगी अपने को, और आगे का बैकग्राउंड मैं भी क्लियर करवा दे रहा, ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ नहीं है, जो कमर्शियल डीलिंग्स होती है लोगों के बीच में, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं पैसे से रिलेटेड, तो उसकी बात है। ये एक महान आदमी ने डायलॉग बोला था, इसलिए हमने इसको नोट्स में इंक्लूड किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाई पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जो राइट्स रहती है, जो ड्यूटीज रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो अपने को आती है, वो कौन बनाती है, पार्टीज बनाती है। ये अपन ने पहले डायलॉग में ही पढ़े हुआ है। एक लैटिन मैगजीम है, देखो बच्चा ये ऐसा, जहां पे ये शेडिंग है ना पीछे और पर्पल कलर के अंदर आपको दिख रहा है, तो वो क्या है, वो तो एक तो लैटिन मैगजीन होंगी, या वो कोई केस लॉ होगा, या वो कोई इंग्लिश लॉ का पोजीशन होगा, ठीक है। पर्पल कलर की लैटिन मैगजीन क्या बोलती, उबीजस इबी रेमेडियम, उबीजस इबी रेमेडियम, मतलब उबीजस इबी रेमेडियम, जहां राइट है वहां रेमेडी भी रहेंगी, जहां राइट दिया है तुमको वहां तुम्हारे पास रेमेडी भी रहती है। वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, ये चीज आप बाद में समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपके पास राइट है तो आपके पास रेमेडीज भी रहेंगी अवेलेबल, ठीक है ना। अगर आपके पास राइट है तो आपके पास रेमेडीज भी अवेलेबल होती है। रेमेडीज मतलब इन केस की कुछ गलत हो गया तो क्या क्या रेमेडीज आपके हाथ में रहती है। रेमेडीज मतलब बेसिकली इन हिंदी आई डोंट नो, ठीक है, रेमेडीज मतलब किस किस चीज के लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हो। अगर आपके पास राइट है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज टू बहुत सारी चीजें, वेर देर इज अ लॉ, वेर देर इज देर आर राइट्स देर आर ऑब्लिगेशंस। अगर आपके पास हक है तो ऑब्वियसली आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है, ठीक है, ओके। ये डायलॉग रटने का है, उबीजस इबी रेमेडियम, उबीजस इबी रेमेडियम, उबीजस इबी रेमेडियम लिख के रखेंगे रब बुक के अंदर, वेर देर इज राइट देर इज अ रेमेडी, उबीजस इबी रेमेडियम लिखेंगे, उबीजस इबी रेमेडियम, उबीजस इबी रेमेडियम। बोलो सर तुम पागल हो क्या सर, ऐसे बड़बड़ करते रहते अकेले अकेले, वो भी बार बार। मन बोला अच्छा मैं पागल हूं कि तू मेंटल है रे ठस, ये तेरे को काम का है इसलिए उबीजस इबी रेमेडियम, ओके। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो पहले आता है ऑफर, फिर होता है एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं बनता मुन्ना, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं बनता। देखो मेरे मन के अंदर तेरे लिए प्यार है, अगर मान के चल ले बेटा मेरे मन के अंदर तेरे लिए प्यार है तो वो प्यार खत्म हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा नहीं तो, और जो दिल की बात कहनी है कह दो, जो दिल की बात आप कहते हो उसको बोलते हैं ऑफर। जब आप अपने दिल की बात किसी को बताते हो उसको बोलते हैं ऑफर, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं,
ये दिल की बात आपने बता दिया, मेरे मन के अंदर है कि यार मैंने बोला यार मेरे को कार लेना है, तो ये क्या दिल की बात है ना, ये मैंने बताया पप्पा को, तो क्या ऑफर हो गया क्या? ना। जब आपको, जब आप हो समझ लो मिस्टर ए, एक है मिस बी, आप हो मिस्टर ए, ये है मिस बी, अगर ए के मन में बी के लिए प्यार है तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को बी को बताना पड़ेगा बराबर, और बता के भाग के आ गया तो जमेंगा क्या? सर मैटर जमता नहीं है, लफड़ा हो जाएगा। बोले क्यों सर, बी तो कुछ बताएंगी नहीं ना। तो देखो एक वो एक एक मिस्टर ए था, उसको बी से बे इंतहा मोहब्बत थी बच्चों मेरे। ए बी के पास गया और बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, और बोल के भाग के आ गया वापस। बताओ क्या ये प्यार, क्या ये प्यार सफल होगा? नहीं होगा सर सफल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ने अपनी दिल की बात बताई, उसके कंसेंट के लिए रुका ही नहीं। तो जब भी आप ऑफर करते हो तो आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए आगे वाले की कंसेंट लेना। ऑफर जब आप करते हो ना तो आपने ऑफर करना चाहिए अपनी दिल की बात बताने के लिए नहीं, अपनी दिल की बात पे उसका हां सुनने के लिए। When a person, offer का definition क्या है? When a person, जब एक इंसान signifies to another, signifies मतलब बताता है दूसरे को क्या? His willingness उसके मन के अंदर की बात, to do or not to do something, to do or not to do something, कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए। With the view of getting the consent of the other party, आगे वाली पार्टी की consent लेने के लिए। अगर आप कोई अपनी मन की बात बताते हो तो उसको कहते हैं offer। Offer क्या होता है? When a person, एक आदमी जब दूसरे आदमी को signify करता है उसकी willingness, उसके मन की बात काय के लिए, वो second आदमी का consent लेने के लिए, तो he said to have made an offer। ठीक है, और ये जो विलिंगनेस है वो फाइनल होनी चाहिए, ये विलिंगनेस फाइनल होनी चाहिए। मैंने उसको बोला देख मेरे को, देखो मेरे को है ना तेरे से शादी करनी चाहिए, बट है ना मैं थोड़ा सा है ना इस बारे में श्योर नहीं हूं, तो कैन वी ट्राई, फट के कान के नीचे मारी उसने। बोले देख शादी करनी है ना तो फाइनल बोल, करना है कि नहीं करना है। बोला हाँ करना है, पर मम्मी को पूछना पड़ेगा, देखता मम्मी क्या बोलती, और मेरे को शादी तो तेरे से करना है। वो क्या बोलेंगी, ए तू क्या टाइम पास समझ रहा है मेरे को, निकल। ऑफर नहीं हुआ बेटा ये, ऑफर क्या रहता, व्हेन अ पर्सन, लिखेंगे आप मेरे साथ, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर पर्सन, सिग्निफाइज मतलब बताना क्या, हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस के सामने ब्रैकेट करना फाइनल वाला, His final willingness to do or not to do something, कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए। और जब मैं अपनी मन की बात बता रहा तो मेरा दिल के अंदर मकसद क्या रहना चाहिए मेरा, सिर्फ अपनी बात बता के बोले अपना मन हल्का कर दिया। अरे मन हल्का करने से ऑफर नहीं होता, आगे वाले की तुमने कंसेंट लेने के लिए अगर तुमने कुछ बताया उसको तो उसको बोलते हैं ऑफर। जब आप अपने मन की बात दूसरे को बताते हो उसका हा पाने के लिए, उसकी कंसेंट लेने के लिए, तो उसको ऑफर बोलते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, विथ द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, विथ द व्यू, आपके मन का, आपके दिल में क्या मकसद होना चाहिए, आगे वाले की कंसेंट लेने का, तो ही सेड टू हैव मेड एन ऑफर। पहला ऑफर का डेफिनेशन, जब आगे वाले ने हाउ बोल दिया तो सर लफड़ा शुरू। अरे मतलब आगे वाला जब हा बोलता ना तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। व्हेन अ पर्सन टू हुम ऑफर हैज बीन मेड gives his consent, जब ये अपनी consent देता तो उसको बोलते हैं सर acceptance। मैंने उसको बोला I love you, मला तुझाशी लग्न करायचं, I wanna marry you, मेरे को तुझसे शादी करना है, ऐसा मैंने उसको बोला, जो जो language जिसको जिसको आती सब में बोल दिया। ठीक है ना, हाँ हूँ तने प्रेम करू छू, गुजराती, ठीक है, जिसको जिससे
मेको, मैंने उसको बोल दिया कि आई लव यू, मेको तेरे से शादी करनी है, मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे, हू थने प्रेम करू छू, विल यू मैरी मी, ऐसा मैंने उसको बोला। मैं रुका भी, मेरी फाइनल विलिंगनेस है, मैंने बोला ठस है अपन, मेरे को तेरे से लग्न करने का है। उसने बोला ठीक है, एक्सेप्टेंस हो गया क्या? बोले हाउ। उसने ठीक है बोला, बोले उसने बोले हाउ, ठीक है तो ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है। बट उसने बोली हाउ, ठीक है, ठीक है, पर अगर एक्सेप्टेंस में पर आ गया, पर बट, तो काम खत्म। ये एक्सेप्टेंस नहीं रहता। अगर एक्सेप्टेंस में इफ आ गया, आई विल मैरी यू इफ, आई विल मैरी यू बट। देखो दो टाइप की लड़कियां रहती, एक वो जो बहुत डोमिनेटिंग रहती। मैं गया एक लड़की के पास, मैंने बोला भैया मेरे को तू बहुत अच्छी लगती, मेरे को तेरे से शादी करना है। तो अंग्रेजी थी थोड़ी, बोलते ओके आई विल मैरी यू इफ यू गिव मी दिस प्रॉमिस। अच्छा अच्छा, मतलब प्रॉमिस ले रही है। वो जो भी प्रॉमिस था मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मेरा पर्सनल मैटर है। इफ आ गया ना, मतलब वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, और एक्सेप्टेंस कैनॉट बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, एक्सेप्शनल मेरे शेरो कंडीशनल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस रहा तो उस प्यार को नाम दिया गया है काउंटर ऑफर। कंडीशनल अगर एक्सेप्ट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस अगर कंडीशनल रहा तो मेरे शेरो उस प्यार को नाम दिया गया है काउंटर ऑफर। इसमें उसने मेरे को बोला कि इफ यू प्रॉमिस दिस दिस टू मी, इसका मतलब उसने अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया, उसने मेरे को काउंटर ऑफर दिया है। और अगर मैंने वो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसका ऑफर और मेरा एक्सेप्टेंस बहुत भारी हो गया सर, समझ में नहीं आया। मैंने बोला रुको हिंदी में समझाता। मैं गया एक लड़की के पास, मैंने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या वो तुम मुझसे शादी करोगी? वो बोलती हां मैं आपसे शादी करूंगी, पर तुम अपने मम्मी से दूर रहना, तुम मेरे को दूसरा नया घर चाहिए, पर मेरे को नया घर चाहिए। अरे मतलब इसने एक्सेप्ट किया क्या? नहीं सर। हाँ उसने एक्सेप्ट किया मेरा ऑफर, पर उसने कुछ कंडीशंस लगा दी। और अगर उसने कंडीशंस लगाई, इसका मतलब क्या है मेरे शेरो? इसका मतलब है उसने मेरे को काउंटर ऑफर दिया, उसने मेरे को काउंटर ऑफर पे ऑफर मारना। ऑफर पे एक्सेप्टेंस दिया तो अच्छी बात है, ऑफर पे दूसरा ऑफर चिपकाने को बोलते काउंटर ऑफर। जैसे अटैक पे अटैक रहता तो काउंटर अटैक होता ना, वैसे ऑफर को तुमने दूसरा ऑफर दिया तो उसको बोलते काउंटर ऑफर। अब मेरे हाथ में है, अब अगर मैंने उसकी जो उसने जो बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगी अगर तू दूसरे घर में रहेगा, तो क्या हो गया? उसने दे दिया मेरे को काउंटर ऑफर। अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बोला ठीक है अपन नया घर ले लेंगे, तो मेरा एक्सेप्टेंस हो गया, उसको ऑफर हो गया, ठीक है। तो जब उसने इफ लगाया, इफ लगाया, बट लगाया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होता, उसको बोलते कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो नहीं सकता तो वो काउंटर ऑफर होता। अगर इफ बट लगा दिया किसी एक्सेप्टर ने तो सर ये ऑफर लैप्स हो जाता, ये ऑफर क्या हो जाता? लैप्स हो जाता। ये आगे पढ़ने वाले, इसलिए अभी एक साथ बता दे रहा मैं आपको, वक्का वक्का वक्का, बाद में गप्पा 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 घुमाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, मेरी मम्मी है ना, मम्मी जी, माय मम्मी, शी इज वेरी क्यूट। आज वो गई सब्जी लेने के लिए, ठीक है, भैया ये आलू देना, नहीं भैया ये आम देना, कितना रुपए किलो है? वो बोलता 100 रुपए किलो मैडम, उसने 100 रुपए किलो बताया। मम्मी ने उसको ऑफर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, मम्मी ने उसको क्या दिया बताओ? क्या? इनविटेशन टू ऑफर। मम्मी ने उसको सिर्फ प्राइस पूछी है, उसने बताया 100 रुपए अभी के लिए, ये इसको चलो ठीक है जान दो। मम्मी ने उसको पूछा ये आम चाहिए मेरे को, ये आम बेचते क्या? उसने बोला हाओ मैडम 100 रुपए में। अब क्या है, उसने मम्मी को ऑफर दिया कि 100 रुपए में 1 किलो आम आप ले लो। मम्मी ने बोला भैया 90। इसका मतलब क्या है? मम्मी ने उसका 100 रुपए का ऑफर कर दिया, खत्म, रिजेक्ट। और मम्मी ने एक नया उसको काउंटर ऑफर दिया 90 का, वो नहीं माना, उसने बोला मैडम 80 रुपए। इसका मतलब क्या है? उसने मम्मी का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने नया ऑफर दिया, इसको भी बोलेंगे काउंटर ऑफर।
मम्मी ने बोला नहीं भैया नहीं, नहीं भैया नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, 70 रुपए में फाइनल कर दो। उसने बोला, वेजिटेबल वाले ने बोला ओके मैडम। इसका मतलब क्या है, उसका 80 का ऑफर मम्मी ने रिजेक्ट किया, मम्मी ने उसको दिया 70 का काउंटर ऑफर और उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मम्मी का ऑफर था, वेजिटेबल सेलर का था एक्सेप्टेंस, इसको बोलते काउंटर ऑफर। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता, एक ऑफर रहता एक एक्सेप्टेंस रहता। ठीक है, अब कभी भी जब आप ऑफर की बात कर रहे हो तो जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता मेरे शेयरों उसको बोलते हैं ऑफरी। इसको गया ऑफर, इसने अगर हाउ बोल दिया, ये जो ऑफरी है ना, ये आदमी, इसने अगर हाउ बोला तो इसका नाम बदल जाता। देखो जैसे मैंने लड़की को ऑफर दिया था विल यू मैरी मी, तो उसने हाउ बोला, जैसे उसने हाउ बोला ना तो उसका सरनेम बदल जाएगा, हाउ ना, वैसे ही सेम यहां पे बात है। ये ऑफरी ने एक्सेप्ट किया तो इसका नाम बदल के हो जाता एक्सेप्टर। सर कहां से लाते हैं बेटा, बहुत मेहनत करी थी इस पे मैंने, जब मैं सीबीडी में पढ़ा था ना, बहुत मेहनत करा था ये कहानियों पे। तो जब ये ऑफर देता, जब इसको ऑफर मिला तब ये ऑफरी था। अब जब इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही अपने इसने एक्सेप्टेंस दे दिया, तो जैसे लड़की का नाम सरनेम बदल जाता ना शादी के बाद, वैसे ही इसका भी नाम बदल जाता, ये इसका नाम हो जाता एक्सेप्टर। ठीक है, अब ये जो ऑफरर ऑफर दे रहा है और ये एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली सर कुछ तो लगता बदले में, उसको बोलते हैं कंसीडरेशन, उसको बोलते हैं कंसीडरेशन, जिसपे ये सारी बातें चल रही है। कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, जैसे मैं प्रणव चांडक हूं, मैं एक दुकान पे गया मोबाइल के, मैं गया बेटा मोबाइल शॉप पे और मैंने उनको बोला कि भैया एक मोबाइल देना, उन्होंने मेरे को मोबाइल दिया एक, कौन सा सर, सैमसंग नोट 10, और मैंने उन्होंने दिया मेरे को और मैंने उनको दिए रुपए 72,000 रुपीस। तो मैंने उनको ऑफर दिया कि ये मोबाइल बेचो, उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया, मोबाइल दिया, उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, मेरे लिए कंसिडरेशन हो गई, मेरे को फ़ोन मिला, उनके लिए कंसिडरेशन हो गई, उनको 72,000 मिले, बराबर। ये एक टाइप। दूसरी टाइप होती है बेटा, यहाँ पे क्या था, मेरी एक्ट के बदले उनकी एक्ट, उन्होंने मेरे को, उन्होंने एक एक्ट किया मोबाइल देने की, मैंने उनको पैसे दिए। कभी कभी क्या होता, मैं ही हूँ, मैं मिस्टर प्रणव चांडक, एक ये शॉप वाला है, अपने बहुत पहचानता है, ये मोबाइल खरीदा ना, हाँ मोबाइल के बाद में मैं गया इसके पास में, शॉप वाले के पास में, पैसे खत्म हो गए थे जेब में, 72,000 रुपए में एक किडनी बेची थी, दर्द अभी तक है, ठीक है ना, ये फोन है डंगरा। हाँ तो सर मैं ये शॉप वाले के पास गया, मैंने बोला भैया इसमें ना यार स्क्रीन गार्ड लगा दे और इसका एक बढ़िया जबरदस्त वाला कवर दे दे, तो बोले ठीक है। तो इसने मेरे को कवर करके दिया, इसने मेरे को क्या दिया, मोबाइल का कवर दिया प्लस स्क्रीन गार्ड दिया, और मैंने उसको बदले में क्या दिया बताओ आपको, मैंने उसको बदले में दिया कद्दू। मैंने उसको बोला भैया यार अभी तो पैसे नहीं है, बोला मैं शाम को लाके देता, मेरे पहचान वाला था, मैंने उसको सिर्फ प्रॉमिस दिया, मैंने उसको सिर्फ प्रॉमिस दिया, तो जमता क्या, हाउ प्रॉमिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंसीडरेशन। ठीक है, ऑब्वियसली वो प्रॉमिस को मेरे को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं किया तो वो मेरे को कोर्ट में लेके जाएगा, बट प्रॉमिस भी एक कंसीडरेशन होता है। ठीक है, ओके, तो देखो ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, इसके साथ में लगता कंसीडरेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन है, तो ये बन जाता है सर आपका एग्रीमेंट, ये आपका बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड नहीं होना चाहिए, अगर वॉइड रहा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे हम कोर्ट में कब जा सकते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इसको बोलते हैं प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस एंड रेसो प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्म्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो अपन बाद में देखने वाले। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया अपना,
बराबर, वॉइड नहीं होना चाहिए। अग्रीमेंट हो गया सर, बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तो चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बोले मैंने बोला गलत है सर, इसी को तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और चीज होना इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और चीज होना इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप एक मेक से लीगली बाइंड हो, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरे तुम्हें चाय पे बुलाया है, ऐसा बोला उसने मेरे को, उसने मेरे को क्या बोला, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरे तुम्हें चाय पे बुलाया है, ऐसा उसने मेरे को बोला फोन पे, मैं दूसरे दिन चले गया। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। अब देखो, अपन थोड़ा रईस आदमी है, अपन अपनी दुनिया में खुश रहता है, प्यार है, प्यार नहीं है ऐसा नहीं बोला मैंने, प्यार बहुत है उससे मेरे को, पर सर उसने मेरे को रात में बताया, RAAT रात में, कितने बजे, 11:30 बजे बताया, शायद मेरी शादी का ख्याल बोले दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरे तुम्हें चाय पे बुलाया, कल तुम सुबह 8:30 बजे मेरे घर पे चाय पे आ जाना। मैंने बोला मैं तेरी बात पे भरोसा नहीं करता, तेरी मम्मी को बोल मेरे को फोन करने को। उसकी मम्मी ने मेरे को फोन किया, बेटा तुम कल फ्री हो? मैंने बोला जी आंटी फ्री हूं, तो कल सुबह आ जाओ घर पे चाय पीने। बोला ठीक है आंटी जी आता हूं। ऐसा मेरा रात में बात हो गया, उसने मेरे को ऑफर दिया, क्या तू सुबह 8:30 बजे क्या तू सुबह 8:30 बजे मेरे घर पे चाय पीने आएगा, ऐसा उसकी मम्मी ने मेरे को ऑफर दिया। मैंने बोला हाउ आऊंगा, ऑफर था, एक्सेप्टेंस हो गया। बोले सर बढ़िया बात है, मेरा वादा था, उनका वादा था, हम जाएंगे कल चाय पीने सुबह, बट साला इंस्टीट्यूट क्या करूं यार, इंस्टीट्यूट ने रात में 2 बजे मेरे को पता चला कि इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन लेके आया, मैं लग गया इसके काम के अंदर कि भैया इसमें जो भी अमेंडमेंट्स है, जो भी चेंजेस है, उस पर थोड़ा काम करने लग गया। मेरे को सुबह बज गई 5, सोने को 5 बजे मैं सोया, और 5 बजे सोया तो ऑब्वियसली प्रणव चांडक 8 बजे किसके बाप के लिए नहीं उठता, उसके लिए क्या उठेगा आदमी। ठीक है, अरे देखो ठीक है, तो मैं गया नहीं 8:30 बजे, अपनी नींद खुली 11 बजे, अपन 11 बजे उठे, और मेरे को ध्यान में आमला, अरे शुट चाय पीने जाना था, अब तो हो गए लफड़े। तो मैंने फोन किया उसको, हाय बेबी, तो वो बोलती तुम बात मत करो मुझसे, मेरी मम्मी से बात करो। मैंने बोला ठीक है कराओ बात। तो उसकी मम्मी बोलती तुमको मैंने बोला था 8:30 बजे। मैंने बोला बराबर है आंटी, गलती हो गई, सॉरी, मैं वो एक्चुअली वो एक इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ गया तो मैं उसके लिए थोड़ा काम में लग गया था, आई वॉज वर्किंग ऑन इट, और मेरा सोने में लेट हो गया तो मैं थोड़ा आ नहीं पाया, तो मैं कल आता हूँ। नहीं चलेगा ये, बोले मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बना के रखे थे, नाश्ते में मैं तुमको खाने वाला फील देने वाली थी, तुमने मेरा नुकसान कराया, भरपाई कर दो नहीं तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगी, ऐसा उसकी मम्मी ने मेरे को बोल दिया। लॉयर थी वो उसकी मम्मी। आ गया वांदा हो गया, मैंने बोला अरे यार शुट, बोला ये तो यार शुट कोर्ट में जाने की बात कर रही, तो अपना सबसे समझदार इंसान अपने जिंदगी में जो है वो अमोल चांडक। मैंने अमोल को फोन किया, मैंने बोला यार अमोल लफड़ा हो गया, जल्दी से घर पे आ। अमोल आया, बोले क्या क्या? मैंने बोला देख ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं अपने को तो ज्यादा लॉ आता नहीं, जितना आता उतना समझाया मैंने उसको। मैंने बोला देख यार मैं उसका, उसकी मम्मी ने मेरे को रात में बोला कि बेटा चाय पे आ जाओ सुबह। मैंने बोला हाँ, तो बोला उसको, और वो लॉयर है बोला वो मेरे को बोल रही, बोला कोर्ट में जाऊंगी। बोले कैसे कैसे बता उसने? मैंने बोला उसने बोला कि उन्होंने ऑफर दिया, तूने एक्सेप्ट किया, अब तूने कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और तूने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अब तू गया नहीं तो वो तेरे पे कोर्ट में केस फाइल करने वाले। मैंने ऐसा बोला अमोल को, अमोल हंसने लग गया, बोले क्यों? अबे बावले, बोले ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें नहीं जमता। मैंने उसको पूछा बड़े मतलब? तो बोले देख देख देख, तुम्हारे जब जब तुम्हारे बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, माना कि ऑफर है, वैलिड एक्सेप्टेंस है, बराबर है, पर ये एग्रीमेंट है भाई। बोले ये एग्रीमेंट है। बोला कैसे?
तुम्हारा इंटेंशन थोड़ी था कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था। तुम क्या करने वाले थे, चाय पे आके बातें, तुम्हारा थोड़ी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था। मैंने बोला बराबर है। बोले अगर वो तेरे को चाय पे बुला के खराब चाय बनाती थी तो क्या तू कोर्ट में केस फाइल करने वाला था। मैंने बोला नहीं पागल है क्या, बोला ये तो घर की बात है। तो बोलता वही तो बावले, ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, उसने बोला ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने बोला भाई थोड़ा इसमें और अंडरस्टैंडिंग दे मेरे को, डिटेल बता कैसा करना है मेरे को, आगे चल के सीएमए का लॉ पढ़ाना है। बोला बता तू मेरे को। तो बोलता देख देख भाई देख, ये जो एग्रीमेंट है ना ये कैसे बनती। मैंने बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कुछ कंसीडरेशन रहा तो। बोले बराबर है। और बोले हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा उसने मेरे को बताया था। मैं आपको बता रहा हूं। बोले अगर एग्रीमेंट एग्रीमेंट के साथ अगर आपका इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का तो वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसने मेरे को बताया अगर एग्रीमेंट के साथ आपका इंटेंशन है कि आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करो तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता। मैंने बोला यार लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोले ऐसा बोलना पड़ता क्या। अरे नहीं 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 नहीं। फिर उसने मेरे को बताया तो बोले देख लगभग दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का अपना कोई इंटेंशन नहीं रहता। और बोले जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का पार्टीज का इंटेंशन होता है, ऐसा कोर्ट मान के चलता। मैंने बोला हां मतलब। बोले देख जनरल अजम्पशन क्या है, अगर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का जो पार्टीज है, सॉरी डोमेस्टिक अग्रीमेंट है तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट के अंदर जो पार्टीज है उनका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा उसने ऐसा कोर्ट मानता। और जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का पार्टीज का इंटेंशन रहता, ऐसा कोर्ट मानता। ये प्रिजम्पशंस है। बोला अच्छा, बट यार बोला कभी कभी तो ऐसा होता ना यार डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में भी अपन केस फाइल करते। बोले हाँ, वो केस में अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, डोमेस्टिक जो अग्रीमेंट्स है उसमें अगर आपका लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता, बट वो केस में आपका लीगल ऑब्लिगेशन है आपको प्रूव करना पड़ता। मतलब जनरल रूल क्या है, कोर्ट क्या जनरली मान के चलता, अगर डोमेस्टिक अग्रीमेंट है तो पार्टीज का इंटेंशन नहीं है, पार्टीज नहीं चाहती लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टीज चाहती है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, ऐसा कौन मानता, कोर्ट। यह जनरल प्रिजम्पशन है। बट अगर इसके अलावा कुछ और चीज है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा इसके अलावा अगर कुछ चीज है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बोला जैसे यार मैं ये तो प्रोविजन एकदम ताकत से समझ गई, तू मेरे को एक आधा एग्जांपल दे दे। बोले देख बचपन में तेरे पप्पा तेरे को कितने बार बेवकूफ बनाते थे। मैंने बोला बाप रे बहुत बार, तेरे को बता भी नहीं सकता। तो बोले बता एक आधी बात। मैंने बोला देख उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था दसवीं की एग्जाम के बाद में कि अगर तू बेटा 90 के ऊपर परसेंटेज लेके आया ना तो तेरे को बाइक दूंगा लेके। और उन्होंने मेरे को अभी तक बाइक लेके नहीं दिया। बराबर है। हाँ, उन्होंने ऑफर दिया था, तूने एक्सेप्ट किया। मनला बोले कैसे। मैंने बोला समझ ही नहीं अभी तक तो ऑफर एक्सेप्टेंस। अच्छा, उन्होंने ऑफर दिया था कि बेटा तू दसवीं में लेके आ जा 90 के ऊपर, मैं तेरे को बाइक दूंगा। बराबर। हाँ, उनका ऑफर तूने एक्सेप्ट किया। मैंने बोला कहां पे। अबे ये बावले, ये जनरल एक्सेप्टेंस है वैसा उसने बोला। पर मैं बावला वाला किसी को बोलता नहीं। ये बोले एक्सेप्टेंस जो है ना, कंडीशन तूने फुलफिल कर दिया 90 के ऊपर लेके आ गया, इसका मतलब क्या है, तूने अपना पार्ट कर दिया 90 के ऊपर लाने का। मेरा पार्ट भाई ने कर दिया, अब पप्पा का पार्ट है, अब पप्पा की जिम्मेदारी है, उन्होंने मेरे को बाइक देना चाहिए। मां कसम उन्होंने अभी तक बाइक नहीं दिया, मेरे को कार में घूमना पड़ता। बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो सर मैंने पप्पा पे केस किया क्या, नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, ये डोमेस्टिक घरगुती कार्यक्रम है।
इसके अंदर पार्टीज का इंटेंशन नहीं रहता ऐसा कोर्ट मानता तो मैंने केस भी फाइल नहीं किया, छोड़ा, बोला माफ कर दो, अपने ही पप्पा है, क्या करते, समझ गए। तो अब अपन बात करते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन अगर रही तो वो अग्रीमेंट बनता है, और अगर अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का आपका इंटेंशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता, बराबर। और ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना अगर आपका इंटेंशन है, अगर आपने कोई ऑफर किया है प्लस उसका एक्सेप्टेंस हुआ है प्लस प्रॉपर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है लीगल वाला, तो ये होता है सर अग्रीमेंट, ये होता है सर एग्रीमेंट। और प्लस आपका इंटेंशन है कि आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करो, तो इस प्यार को नाम दिया जाता है एनफोर्सिएबिलिटी। अगर आपका इंटेंशन है ना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, है ना आपका इंटेंशन, बोले हाँ, तो अगर आपका इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, मतलब अगर आप कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बन जाता है, दोनों मिला के बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिएबिलिटी होना मतलब आप ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं, इसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, आप इसको एनफोर्स कर सकते हैं, विच कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसको आप लॉ के कोर्ट कोर्ट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ओके। हाँ पहली बात बेटा, मेरे शेरों, मेरे चूहों, मेरे चीता हो, मेरे जो भी सारे जितने जानवर है आप सब मेरे हो। देखो क्लास में बताई सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। All the things told in the class are purely fictitious in nature. Any resemblance to any person, living or dead, is purely coincidental in nature. इसको दिल पे लगाना नहीं, मेरी कोई डाव नहीं है जो रात को 11:30 बजे फोन करके अगले दिन 8 बजे बुलाती, ठीक है। हाँ चाय पे एक सवाल का जवाब देना, ऑफर बड़ा सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कि एग्रीमेंट। एक डायलॉग रहता, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, आप लिखेंगे ये, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स, बताएंगे इसका जवाब देंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स। दाने खाते रहना कि गुड़ दाने अच्छा रहता जिंदगी में सेहत के लिए। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट रहते हैं बट सारी की सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती, ट्रू और फॉल्स। देखो सर ट्रू है इसका जवाब, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ए प्लस ई इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सारा एग्रीमेंट होना जरूरी है बट ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगी। एग्रीमेंट्स जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स रहती वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती क्योंकि उसमें एनफोर्सिएबिलिटी नहीं पार्ट होती है, एनफोर्सिएबिलिटी वाला पार्ट नहीं होता है। तो ये डायलॉग फिक्स है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं प्लस बट सारी की सारी एग्रीमेंट्स ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल नहीं है, एग्जाम्पल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती, ये बुक के अंदर लिख के रख देना। क्या बोल रहा हूं लिखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ के बाद में दैट इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और ब्रैकेट क्लोज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप लिख देंगे, ठीक है ओके।
एक डायलॉग और लिखो, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो। इसके पहले अपन ने क्विड प्रो क्यो के सामने लिखना समथिंग इन रिटर्न, ये कंसिडरेशन में आएगा, मैं आपको भी उसके लिए तैयार कर रहा हूं। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, ये एक लैटिन टर्म है। इसके पहले अपन ने एक लैटिन टर्म देखा था, उबिजस इबी रेमिडियम। क्या देखा था अपने? उबिजस इबी रेमिडियम। उबिजस इबी रेमिडियम मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। हो गया सर, बहुत हो गया। अच्छा अब पढ़ रहे भैया अपन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल लॉ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी मालूम है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है सर? प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस। सर प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को बोलते हैं प्रॉमिस। अरे देखो कैसा रहता है, प्रॉमिस क्यों बोलते उसको? देखो मैंने उसको बोला तू मेरे साथ शादी करेगी क्या, उसने बोला हाँ, मैंने ऑफर दिया उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, ऑफर हो गया एक्सेप्टेंस हो गया। मैंने बोला शादी करती क्या, उसने बोला हाउ, ऑफर एक्सेप्टेंस। मैंने बोला पक्का प्रॉमिस, बोलती प्रॉमिस, तो इसलिए वो वर्ड है प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ठीक है। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, मेरा प्रॉमिस उसका प्रॉमिस, एंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मेरा प्रॉमिस उसके प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन रहता है। ये अपन मैं आपको थोड़े कंसिडरेशन में जाऊंगा तो बताऊंगा। इज एन एग्रीमेंट, इसको एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रॉमिस क्या रहता सर? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल गिविंग राइज टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस क्या होता है? जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसके वजह से दो लोग है एक बंधन, एक बॉन्ड के अंदर जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं सर प्रॉमिस। एक्सेप्टेड ऑफर इक्वल्स टू प्रॉमिस। एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, सच दैट अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सच दैट अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड मतलब वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, कैन फाइल अ सूट, सूट मतलब केस फाइल करना इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सूट है वो, ठीक है ना, सूट है वो, ठीक है, ओके। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस इन पर्सनम एंड नॉट जस इन रेम। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस इन पर्सनम एंड नॉट जस इन रेम। क्या क्रिएट करता है सर ये? ये क्रिएट करता है राइट आपको। कौन सा सर? जस इन पर्सनम, जस मतलब राइट, पर्सनम अगेंस्ट अ पर्सन, एंड नॉट जस्ट इन रेम मतलब जस इन रेम नहीं रहता, जस इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, रेम मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे लोग, अपने अलावा बाकी सब लोगों के साथ में राइट हो रहता अपने पास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलता है? जस इन पर्सनम। कैसे सर? मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट राइट देता आपको। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो ठीक है, मान लो आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको सीएमए इंटर लॉ की क्लासेस दूंगा बराबर, हाँ। अगर मैंने नहीं दिया तो आपके पास राइट है कि आप मेरे को मार सकते बराबर, हाँ। अगर तुमने नहीं किया पढ़ाई, मैंने बोला देख तू अगर इज्जत से पढ़ेगा ना तो मैं तेरे को लॉ पढ़ा दूंगा बेटा, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुमने नहीं पढ़ा तो मैं तुमको मारूंगा, अपने पास एक मेक के खिलाफ राइट है। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया ना तो मेरे पास राइट आपसे आगे आपके अगेंस्ट है, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया ना तो आपके पास जो राइट है वो सिर्फ मेरे अगेंस्ट है। मान के चल लो मैंने ये बोला, मैंने पैसे ले डाले तुम्हारे और मैं भाग गया, मान लो समझो भाग गया, मैंने क्लासेस अपलोड ही नहीं करे तो फिर, और किसी दिन आपको मेरे पप्पा दिख गए, तुम मेरे पप्पा की कॉलर पकड़ सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? मेरे पापा फट के कान के नीचे मारेंगे और तेरे को बोलेंगे मैं भी सीए का लड़का हूं, मेरे को इतना भी समझता कि जो तेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना प्रणव के साथ है, तू जा प्रणव को मांग पैसे, मेरे को नहीं, तुमने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, तो मैं तुमको सूतूंगा, मैं आपको मार सकता, फड़फड़ गनपड़ा मार रहा, क्यों रे नालायक पढ़ाई नहीं किया, फड़फड़ ऐसा, बट मैं तुमको झाप सकता, मैं तुम्हारे पापा को थोड़ी बोल सकता अंकल कैसे नालायक हो आप तो पढ़ ही नहीं रहे, अरे पापा क्या बोलेंगे, रुक 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 हमको मत सुना, वो लड़के को सुना, वो लड़का पोटना नालायक है हमारा, समझ रहे बात को, ठीक है, मैं आपको नहीं डांटने वाला, आप भी मेरे पापा को कुछ नहीं बोलने वाले, ये तो एग्जाम्पल था, समझ में आया तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ मेरे शेरो। तो जस इन पर्सनल मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज कॉल्ड पर्सनल राइट, जो जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके ही अगेंस्ट ले सकते। और सर जसिन रेम मतलब क्या रहता?
राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और ये जसिम रेम कब क्रिएट होता है, जब आप किसी चीज को खरीदते हो। जैसे अपुन के पास है सर सेल्टोस, अपुन के पास एक कार है किया का सेल्टोस, KIA, किया किया क्या किया रे सनम, किया किया का सेल्टोस गाड़ी है मेरे पास। और ये गाड़ी के लिए मेरे पास जस इन रेम का राइट है, मतलब ये गाड़ी के लिए मेरे पास अगेंस्ट द होल वर्ल्ड राइट है। ये गाड़ी मैंने खरीदी हुई है भैया, मैंने अपने मेहनत की कमाई से, और ये गाड़ी को कोई छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश किया तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में डाल दूंगा। सर पर तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ मतलब क्या, ये चीज को सिंस मैं चीज को खरीद के रखा हूं, सिंस मैं मेरी मेरे पास इसकी ओनरशिप है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास राइट है पूरे वर्ल्ड के पास। मेरे पास राइट है किसके अगेंस्ट, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट, कि कोई भी आदमी इसको छुएगा भी नहीं। छूना तो छोड़ो सर, गलत नजर से देख के तो बताओ उसको, मेरी गाड़ी को केस फाइल कर दूंगा। समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट जसिम रेम नहीं दे सकता। जसिम रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आपको कब मिलता, जब आप किसी चीज या किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जब आपके पास रहती ना, तो आपके पास जस इन रेम आता। जैसे मैंने अगर घर खरीदा है तो मेरे पास ये घर के लिए पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है, ठीक है ना, ये घर के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड के पे ऊपर राइट है। किसी ने भी मेरे घर में अगर फत्ता फेंक के मारा तो मैं उस पर केस कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में ये बात ही नहीं है। ये तो सर आपके पास जस इन रेम राइट है वो थिंग पे, वो थिंग आपका है, सिंस यू उसको ओन करते हो आप, Since you own it, तो you have got a just in rem over that thing. वो चीज के ऊपर आपका right है against the whole world. I hope you getting it. Yeah. तो ये लिखा है आपको, यहां पढ़ लेना, ये चीज short note में पूछी जा सकती है। इसको दो बार लिखेंगे, बार मतलब B double A R, two times. बार वाला नहीं है, बोले दो बजे बार में जाना है सर ने बोला, कोड वर्ड है अपना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद सर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं, देखो ए है बी है, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं तेको, ये इसको कार देने वाला है, ये इसको 500,000 रुपए देने वाला है। ए ने बी को बोला कि तू अगर मेरे को 500,000 रुपए देगा तो मैं तेको अपनी कार दूंगा। तो ए ने बी को प्रॉमिस दिया कार देने का, और बी ने ए को प्रॉमिस दिया 500,000 रुपए देने का। ए ने क्या प्रॉमिस दिया, बी को कार दूंगा, बी ने ए को क्या प्रॉमिस दिया, 500,000 रुपए दूंगा। इसके बी ने प्रॉमिस दिया उसको 500,000 रुपए देने का, चलो छोड़ो ए बी को गोली मारो, मैंने आपको बोला कि भाई मैं अपनी कार तेरे को देता हूं 500,000 रुपए में, मैंने आपको वादा किया क्या कि मैं आपको अपनी कार दूंगा, आपने बदले में मेरे को एक और वादा किया, आपने बदले में मेरे को एक प्रॉमिस दिया कि सर हम भी आपको 500,000 रुपए चिपका देंगे, दे देंगे। मेरा जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस कौन सा, कार देने का, ये प्रॉमिस के बदले में आपने मेरे को एक और प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। प्रॉमिस का प्रॉमिस मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। और मेरे प्रॉमिस के लिए आपका जो प्रॉमिस है वो कंसीडरेशन है। मैंने आपको प्रॉमिस दिया क्या, कार दूंगा, आपने मेरे को प्रॉमिस दिया क्या, 500,000 रुपए देंगे, तो ये प्रॉमिस वो प्रॉमिस का कंसीडरेशन है। आप 500,000 रुपए देने वाले हो ये वादा आपने किया ना, इसलिए मैंने आपको कार देने का वादा किया, ठीक है। दूसरा केस, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, आप पे दिल खोल के भरोसा करता हूं, आग बंद करके मैंने आपको कार दे दिया, और आपने, मैंने आपके लिए क्या किया, कार दिया, आपने मेरे को सिर्फ वादा किया कि सर हम आपको 8 दिन के अंदर 500,000 रुपए दे देंगे। अब अपन अपने आप को देखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाउ, दो पार्टीज है, एक मैं हूं एक तुम हो, एक मैं हूं एक तुम हो, हा है कि नहीं है सर, मैं एक पार्टी आप दूसरी पार्टी, मैंने आपके लिए कुछ किया बदले में आप मेरे लिए कुछ करोगे या किया, मान के चल लेते, मैंने आपको कार दिया, ये क्या है,
मेरा प्रॉमिस हो गया खत्म, मेरा पार्ट खत्म हो गया, मैंने अपना एक्ट कर लिया, बराबर। आपके लिए क्या कंसीडरेशन है? आपको कार मिल गई, मेरे को क्या मिला? धतूरा। अरे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं सर, वो तो मिलने वाले हैं ना, मिला क्या? ठेंगा। मैंने बोला बेटा मेरे को मिला उसका वादा, मेरे को मिला आपका वादा, और यकीन मानो आपके वादे आपसे भी कीमती है। तो आपको क्या मिला? कार। मेरे को क्या मिला? आपका वादा। इसका मतलब क्या है? जो वादा है, जो प्रॉमिस है, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंसीडरेशन। हाउ? और यही बात आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले बताई थी कि प्रॉमिस भी कंसीडरेशन हो सकता है। कंसीडरेशन मतलब कुछ मिलना, बदले में क्या मिलेगा। मैंने आपको बोला, आप बोले सर मेरे को कार दे दो। मैंने बोला मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को क्या मिलेगा मतलब मैं पूछ रहा हूं कि कंसीडरेशन में मेरे को क्या मिलेगा, बदले में मेरे को क्या मिलेगा। तो आपका मिला वादा, और ये वादे के, ये वादे की कीमत है साहब, अपनी जुबान की कीमत रखो। अगर तुमने ये वादा पूरा नहीं किया ना, मैं कोर्ट में घसीटूंगा तुमको। तो जो मेरा वादा, जो आपका वादा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस विच फॉर्म कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ये एग्जांपल दिए हुआ है, पढ़ लेना ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस लिखा रहेगा एक साइड में, और राइट साइड में रहेगा कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, मैच द पेयर का है ठीक है ना, मैच द पेयर। मेरे जैसा आदमी अगर बनाए तो मजा आ जाए ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन नॉर होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन नॉर होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो ना सारी की सारी ऑब्लिगेशन का लॉ है, वो ना सारी की सारी एग्रीमेंट्स का लॉ है, बराबर है। सर क्या बोल रहे हैं? ये डायलॉग है, रट्टा मारने का, लिख के रखना दो बार रब बुक के अंदर, वीडियो पॉज करके ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सर, वो ना तो पूरा का पूरा होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट है, ना पूरा का पूरा होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है। देखो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आती, बट वही जो एनफोर्सिएबल है, जो एनफोर्सिएबल है, इसका मतलब क्या है? वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है, बराबर। हाँ, मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सारी ये सारी एग्रीमेंट नहीं आती, बराबर। हाँ, इसलिए तो लिखा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। होल लॉ, सारी की सारी एग्रीमेंट आती क्या कॉन्ट्रैक्ट में? ना। तो इसलिए लिखा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। सारी के सारी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बनती क्या? नहीं सर, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन ही कॉन्ट्रैक्ट बनती है। मतलब जो सारी अग्रीमेंट्स, सॉरी सारी ऑब्लिगेशंस होती है, मेरी जो सारी ऑब्लिगेशंस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं है। जैसे मेरी ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स यू, मेरे को आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। बट मेरी ऑब्लिगेशंस मेरी बहन के लिए भी है बहुत सारी, जैसे उसको मेरे को हर 3 महीने के अंदर फोन देना पड़ता है, वो फोन फोड़ डालती, क्या ये ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है? ना। मतलब आदमी की जो सारी ऑब्लिगेशंस है ना, उसमें से सिर्फ वही ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट बनती है जो लीगल है। जो सोशल ऑब्लिगेशंस है, जो मोरल ऑब्लिगेशंस है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती। मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूं जोरदार ठीक है, टू जस्ट इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर। मैं बहुत टाइम पहले खेलता था क्रिकेट, बट अभी मैंने छोड़ दिया, मैं जब से सीए बना अभी ऐसे टाइम पास खेलते रहता, विकासा विकासा के अंदर ठीक है। तो मेरी जो ऑब्लिगेशंस है, या मेरे पेरेंट्स की, मेरे पापा की जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, मेरे पापा की जो ऑब्लिगेशंस है ना, उसके अंदर दो ऑब्लिगेशंस है। एक है सर लीगल ऑब्लिगेशन, और ये कॉन्ट्रैक्ट बनती है। लीगल ऑब्लिगेशंस मतलब उन्होंने नहीं किया तो लोग उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट मेरे पापा की कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस भी है, जैसे मैं कांचा फोड़ देता लोगों के घर के, मैं लोगों के घर के ग्लास फोड़ता क्रिकेट बॉल छक्का मार के, तो मेरे को तो मांग नहीं सकते, मैं तो खड़ूस इंसान हूं। अपन कांच फोड़ दे, आंटी बोल दे आंटी बोल दो, बोलना आंटी आओ क्या, घंटी में बजाओ क्या बॉल लेने के लिए ठीक है ना।
तो फिर क्या, वो आंटी आती पप्पा के पास, मेरे पप्पा बेचारे भगवान आदमी है, भाई साहब प्रणव ने वापस आज कांच फोड़ दिया। तो मेरे पप्पा जस्ट आउट ऑफ हिज मोरल ऑब्लिगेशन कि अपने लड़के का नाम खराब ना हो, उनको देते हैं पैसे। तो ये जो मेरे पप्पा की मोरल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इसीलिए लिखा है यहां पे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना तो होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट है ना होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है। ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते, सिर्फ वही एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। एग्जाम्पल, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट। बराबर। दूसरी बात, ऑल ऑब्लिगेशंस आर ऑल्सो नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच हैव रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट। सच ऑब्लिगेशंस मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। जैसे ऑब्लिगेशन टू मेंटेन चिल्ड्रन इज अ मोरल ऑब्लिगेशन। आपके मम्मी पापा आपको पाल रहे हैं, ये किसी लॉ में लिखा है क्या? नहीं, ये उनका मोरल ऑब्लिगेशन है। वो अगर चाहे तो आपको किसी मंदिर के कचरे के डब्बे में फेंक सकते हैं। उनका आपको पैदा करना, उनका आपको पालना कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, ये उनका चॉइस है, ये उनका मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, इसलिए अपने मम्मी पापा की इज्जत करते रहना चाहिए। ठीक है, दस आउट ऑफ स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या फर्क रहता, ये सारी बातें अभी तक यहां लिखी हुई है, ये आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी अपन बता देते हैं मीनिंग क्या रहता सर। एग्रीमेंट मतलब सर ये अपन ने पढ़े हुआ है, एवरी सेट एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर बिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर। एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, हाउ मालूम है हमको। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, ए ऑल एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप काय का ज्यादा है, बड़ी क्या टर्म है? सर एग्रीमेंट बड़ी टर्म है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सारी एग्रीमेंट्स नहीं आती। तो एग्रीमेंट इट इज अ वाइडर टर्म बिकॉज इंक्लूडिंग इट इंक्लूड्स बोथ लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। लीगल भी आती है, सोशल ऑब्लिगेशंस भी, सोशल एग्रीमेंट्स भी आती है, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ लीगल एग्रीमेंट आती है। इट इज अ नैरोअर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट ओनली। ऑब्लिगेशन किसमें रहती, एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहती, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि वही एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है उनको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। राइट, एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा राइट नहीं आता, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास हमेशा राइट आता है। और नेचर क्या होता है, ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, बट कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट डायलॉग 1.5, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सेक्शन 10, और ये इतने पूरे के पॉइंट्स आपको रटना है। ये बुक के अंदर 1.5 पांच बार लिख के रखेंगे। अभी तक मैंने जितनी चीजें आपको बताई है याद करने की, ये एग्जाम के लिए आप याद करोगे, इससे मैं मार्क करवा रहा हूं। ये इससे एक शॉर्ट नोट आता है 1.4, ये एक डायलॉग है जो आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मैच द पेयर में आपको पूछे जा सकते हैं, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। दो बार इसको लिखने का है। अबे रुकना बे, हाँ। फिर उसके बाद में एक ये लैटिन टर्म है, जसीन पर्सनम जसीन रेम का मीनिंग क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। ये तो अपन शॉर्ट नोट में आपका कवर हो जाएगा। एक और लैटिन टर्म थी जो मैंने आपको बताई थी, कौन सा, क्विड प्रो क्यो, बोले तो समथिंग 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 मेरी जान टेल मी हम नहीं समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, एक गाना हुआ करता था मिक्का सिंह का, समथिंग समथिंग मेरी जान कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चार ओ सोनिया ओ ओ ओ। ठीक है, देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते फिर मैं आपको एक डायलॉग मारूंगा, बहुत मजा आ जाएगा जिंदगी में। देखो सर, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, प्रॉपर ऑफर होना, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना, पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। बराबर है, पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, यह मैंने आपको पहले बता दिया था। कमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट्स केस में ये प्रिज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। मतलब ये माना जाता है कि ये था ही भैया, और डोमेस्टिक या सोशल नेचर की जो एग्रीमेंट्स होती है उसमें प्रिज्यूम्ड नहीं होता, अगर है तो आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन 1, एक्स वाई इनवाइट्स डिनर, वो चाय वाली बात, ये लिखा है यहां पर। जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होना, जो ऑब्जेक्टिव है
जो मोटिव है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो भी लॉफुल होना चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी को आपने सुपारी दिया कि बोले जा, उसको टपका गया, तो ये क्या है सर? आपका ना कंसीडरेशन लॉफुल है, ना आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? उसने टपकाया नहीं, या मान के चलो मैंने आपको सुपारी दिया, मैंने बोला बेटा तन्मय ये बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को, इसको उड़ा के आ तुझे साले को, उड़ा दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। आप गए उड़ा दिया आपने, बराबर, आप आए मेरे पास 10 लाख रुपए लेने, मतलब नहीं देता मैं तेरे को, आप रोते रोते कोर्ट के पास गए, कोर्ट क्या बोलेगा? ये अनलॉफुल है, ये इलीगल है। और अगर आपने इलीगल ऑब्जेक्टिव, इलीगल कंसिडरेशन का अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हम आपको, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर इसमें आपके साथ गलत हुआ है, प्रणव चांडक ने आपके पैसे नहीं दिए, तो तुमने करना ही नहीं चाहिए था ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, क्यों किया? वो आदमी तो लुखा है, समझ रहे हो? मैं लुखा नहीं हूं, ठीक है? दो पार्टीज हो ना, मैं खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा क्या? मैंने मेरे पास में आ जाना, मैंने बोला चलो साला अपन है ना एक लॉ की वीडियो खरीद ही डालते हैं, मैंने ही अपनी लॉ की वीडियो खरीद डाली। अरे सर नॉनसेंस, कुछ भी। दो पार्टीज होना, एक आदमी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना? मैंने खुद को आईने में जाके प्रपोज किया, मैंने बोला तुम मेरे से शादी करोगे क्या? कैसे जमेगा? नहीं जमेगा। सर्टनिटी ऑफ मीनिंग एंड फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना, पहली बात तो समझते हैं फ्री कंसेंट क्या रहता। जो आगे वाले ने हाँ बोला है, उसके दिल से बोलने को ना, उसको जोर जबरदस्ती करके उसने अगर कंसेंट दिया, अगर उसने आपने उस पर जबरदस्ती किया और उसने वो कंसेंट में हाँ बोला, वो जबरदस्ती के वजह से हाँ बोला, तो सर आपका रिलेशनशिप चलेगा नहीं। तो बच्चों, सिंस आप लोग बड़े हो रहे हैं, तो याद रखिएगा किसी भी रिलेशनशिप में दो लोगों की हाँ होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती करके नहीं, अपनी मर्जी से। प्यार मर्जी से होता है, मजबूरी से नहीं मेरे शेरो। सर तुम तो ऐसा बता रहे जैसा बहुत ही तुमको मालूम है। मैंने बोला बगले शेर बूढ़ा हुआ, अच्छा सॉरी शेर ने शिकार करना छोड़ा है, बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज की। सर्टनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो ना उसमें जो मीनिंग है, जो चीज आप कहना चाहते हो वो सर्टन होनी चाहिए, वो सर्टन होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक तेल की दुकान में गया, उसमें तरह तरीके के तेल थे वहां पे, या चलो ठीक है बेस्ट एग्जाम्पल, मैं गया एक मोबाइल की दुकान में, मैंने बोला भैया एक मोबाइल देना, अरे ये क्या, ये हो सकता है क्या, गलत ऑफर है? क्यों सर? सर्टन ही नहीं है कौन सा मोबाइल, ये तो बताओ। वो बोलेंगे भैया मेरे पास 100 मोबाइल है, कौन सा दिखो वो तो बताओ, टच स्क्रीन चाहिए, सादा चाहिए, सैमसंग का चाहिए, एम आई का चाहिए, आईफोन चाहिए, ये बताओ ना। तो सर्टन होना चाहिए, ठीक है ना? आप जो चीज बोल रहे हो, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट करना है ना आपको, तो चीजें जो है वो सर्टन होनी चाहिए, ठीक है? सर्टनिटी ऑफ मीनिंग में एक और चीज आती है, वो आपको मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? अब समझो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, एक मैं मोबाइल के शॉप में गया, मल्टी ब्रांड शोरूम था, मैं आ गया बोला भैया एक मोबाइल देना, वो क्या बोले ए जमता नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि सर्टनिटी नहीं है, मीनिंग ही नहीं है ना, जो मेरा मीनिंग है वो सर्टन नहीं है। बट मैं सैमसंग के स्टोर में गया, मैंने बोला भैया एक मोबाइल देना, तो ऑब्वियस है सैमसंग का ही है। अब सर अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना? या समझ लो बेस्ट एग्जांपल, मैं एक तेल वाले की दुकान में गया, मैंने उसको बोला भैया तेल देना, भैया 5 लीटर तेल देना, वो खड़ा ही था, मैं भड़क गया उस पर, मिला ये वावला है करे, आधे घंटे से खड़ा हो, बोला तेल देना। बोला सर कौन सा दू, फली तेल दू, सोयाबीन तेल दू, कोकोनट ऑयल दू, कौन सा तेल दू, सर को लगाने का दू, खाने का दू, ये तो बताओ। दूसरी बात, मैं एक आदमी के दुकान पे गया जो सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल, फल्ली का, शेंगदाने का तेल बेचता है, दाने का तेल। मैंने बोला भैया 5 लीटर तेल देना, तो कौन सा? ऑब्वियसली भैया तू कौन सा बेच रहा है, शेंगदाने का ना, तो वही तेल मांगूंगा ना मैं तेरे को, ग्राउंडनट ऑयल दे भैया, समझ गए? तो सर्टनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है? बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मीनिंग सर्टन नहीं है, बट इट इज केपेबल ऑफ बींग मेड सर्टन। जैसे सेकंड एग्जांपल में मैं किसी आदमी के आ गया जो एक ही प्रोडक्ट बेचता है, जो सिर्फ फल्ली का तेल, जो सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल बेचता है, मैंने उसको बोला भैया जाके 5 लीटर तेल देना, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली भैया तू बेच कौन सा रहा है। वो बोले ऐसा थोड़ी चलता, तुम्हारा बात सर्टन नहीं है। मतलब ये बावली तू एक ही तेल बेचता ना, तो फिर वो देना,
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होना है तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए काहे की परफॉर्मेंस की. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप इम्पॉसिबल चीज को परफॉर्म करने के लिए, अगर आप इम्पॉसिबल चीज करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड है. वॉइड है मतलब कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते. अच्छा, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस कोर्ट ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. वॉइड मतलब क्या है? अगर किसी एक पार्टी ने गलत कर दिया या परफॉर्म नहीं किया अपना प्रॉमिस, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते. इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है. जैसे आपने मूवी देखी, वो कौन सी मूवी थी यार, वो अक्षय कुमार की और शिल्पा शेट्टी की और सुनील शेट्टी की, अंजलि वाली, धड़कन धड़कन धड़कन, उसमें वो गाना है, तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, है ना, लाए थे. सुनील शेट्टी ने ये कहा था शिल्पा शेट्टी से कि तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं. उसने लाए क्या? तुमको दिखे क्या शिल्पा शेट्टी के घर पे तारे है? तुमको दिखे क्या? नहीं, चांद भी नहीं लाया, तारे भी नहीं लाए. सुनील शेट्टी ने शिल्पा शेट्टी को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, पर सुनील शेट्टी ने लाया नहीं. शिल्पा शेट्टी कोर्ट में क्यों नहीं गई, मेरे को आज तक ये बात बताओ तुम. आज तक वो कोर्ट में नहीं गई. क्यों नहीं गई? क्योंकि सर वो कोर्ट में जा ही नहीं सकती, क्योंकि चांद तारे तोड़ना इम्पॉसिबल है, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ ऐसा था. ठीक है, तुम मेरी हो नहीं सकती और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, ऐसा उसके अंदर डायलॉग है. किसका? सुनील शेट्टी का. सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी को बोलता कि तुम अंजलि तुम मेरी हो नहीं सकती और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा. ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ऐसे ये डायलॉग था. अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ये डायलॉग था. ठीक है, अच्छा एक बात समझाओ, और एक बात जिसमें मेरे को बहुत सारी दिक्कत रहती, साला सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी दोनों शेट्टी शेट्टी है, भाई बहन है ना, कैसे शादी हो सकती इनकी? मेरे घर पे तो बोलते चांडक है, बेटा वो तो तेरी बहन है. सीधा यही बात आता, एक लड़की बीच में, मेरे को एक चांडक की लड़की पसंद आई थी, बेटा तेरी बहन है बोले. अरे मतलब अरे कहा बहन है, बहुत दूर दूर तक अपना कुछ भी नहीं है. बोले नहीं तेरी बहन है, जमता नहीं, छोड़ दिया. चलो ठीक है, नेक्स्ट डायलॉग. अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. वॉइड नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि वॉइड अग्रीमेंट है. ना वो इलीगल होना चाहिए, ना वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए. प्लस ये सारा बराबर है तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जैसे राइटिंग में होना चाहिए, उसका अटेस्टेशन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर कवर्ड है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करता है. आपके इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स है, आप बराबर, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. सेक्शन 10 में दिए हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये तीन बार लिख के देखिए अपने घर पे, जितना इतना बोले हुआ है इतना ही लिख के देखना. ये 4 से 6 मार्क के लिए आपको आ सकता है, फुकट के मार गए बर्बाद ना करना. सारी बातें मैंने आपको समझा दी भी है, शुक्रिया. नेक्स्ट चीज ऑफर खत्म कर देते हैं आज, ऑफर और एक्सेप्टेंस. उसके बाद में मैं आपको छोड़ देता हूं मेरे शेरों. चलो ऑफर देखते एक बार. सेक्शन 2A में बताया हुआ है सबसे पहली चीज है, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन सेक्शन 2 में आती है पहले. किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 के अंदर उसका कमेंसमेंट, उसका नाम क्या रहेगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहां तक रहेगी, वो सेक्शन 1 में बताते हैं. सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन होती है, बराबर. तो जितनी भी डेफिनेशन अपन देखेंगे वो सारी सेक्शन 2 में रहेगी. सेक्शन 2 का क्लॉज A ऑफर की डेफिनेशन बताता है. अपना सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है? ऑफर. तो सबसे पहला अल्फाबेट उसको दिया है ऑफर को. क्या बोलता है डेफिनेशन, ये मैंने आपको पूरी की पूरी बताई हुई है. व्हेन अ पर्सन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. एक आदमी जब दूसरे आदमी को बताता है, क्या बताता है सर? उसकी फाइनल विलिंगनेस, हुज फाइनल विलिंगनेस टू डू और अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए अगर बोलूं तो ये पॉजिटिव ऑफर कहलाता है. टू डू मतलब पॉजिटिव ऑफर, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कुछ ना करने के लिए ये नेगेटिव ऑफर होता है. कभी मैं बोल सकता भाई तू ये मत कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता,
तो ये भी ऑफर हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू सच एक्ट। कुछ करना, जो भी चीज को बोलने के लिए, कुछ करने के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो वो करने के लिए उसकी परमिशन मांगना, उसकी कंसेंट लेना, उसको बोलते हैं ऑफर। परमिशन गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, माफ करना, ठीक है। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। सिर्फ विलिंगनेस है, मेरे को लग रहा है कि भैया शादी कर लेना चाहिए उससे, तो ये ऑफर नहीं है। विलिंगनेस कैसी होनी चाहिए? फाइनल विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस कैसी होनी चाहिए? फाइनल विलिंगनेस होनी चाहिए। जो चाहत है वो बेहद होनी चाहिए, ठीक है ना। टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी, जो आप विलिंगनेस उसको बता रहे हो, जो फाइनल विलिंगनेस है आपकी, वो जो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, जब आप उसको सिग्निफाई कर रहे हो, तो आपका जो मकसद है होना चाहिए टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, उसका असेंट लेने के लिए। उसका एक एग्जाम्पल यहां पर बताया हुआ है। ऑफर में भी पॉजिटिव, कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, बराबर है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है ऑफर के? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है तो ही वो ऑफर है, नहीं तो वो ऑफर नहीं कहलाता। सर्टन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल टर्म्स, वेग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा सर्टन होना चाहिए, मेरे को तेरे से शादी करना है, फाइनल। ये डेफिनाइट है, ये सर्टन है, ये फिक्स है, ये कंप्लीट है, ठीक है ना। मम्मी को पूछ के करूंगा, आधी अधूरी बातें बता दी तो ऑफर नहीं रहेगा। आधी अधूरी बातों को ऑफर नहीं बोलते। जो भी आपको बताना है आगे वाले को पूरा बताओ। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, मेरे को उससे शादी करने का है, ये मेरे दिल के अंदर था, ठीक है, मैंने बताया नहीं, फिर उसकी शादी हो गई किसी और के साथ, एकदम लल्लू पुच्चू बोगस आदमी था, एकदम ऐसे लुक्खा था। 15 साल बाद वो मेरे को मिली, मैंने उसको बोला कि यार तूने इससे शादी क्यों किया, क्या जिंदगी हो गई है तेरी देख मेरे बिना, प्यार तो उसको भी मेरे से था। मैंने बोला मैंने तो तेरे को बताया भी था, तूने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोली तूने कब बताया था? मैंने बोला मैंने तेरे को ऑफर दिया था। वो बोली तूने कब बताया था? मैंने बोला मैंने दिल के अंदर बोला था। आहा, मन के अंदर रखना, ऑफर नहीं होता। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जिसको ऑफर देना है उसको बताओ। तो मेरे शेरो जितनी भी मन की बातें हैं बता डालो, ठीक है ना। बोल डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है ऐसा। अरे मतलब सर देखो मैं लॉ भी पढ़ा दू, आई टीच लव ऑल्सो। तो अगर आपके दिल में भावनाएं हैं तो कम्युनिकेट कर दो उसको, जब तक कम्युनिकेट नहीं करते उसको एक्सेप्ट नहीं हो सकता, बराबर ना रे। मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, मान के चल लो उसके दिल में भी है, तो जब तक मैं उसको कम्युनिकेट नहीं करता वो इजहार एक्सेप्ट कैसे करेंगी। एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसका एक केस लॉ है शुक्ला जी का, इसका एक शुक्ला जी का केस लॉ है, ठीक है। एक मिनट, लक्ष्मण शुक्ला जी का केस लॉ है गौरी दत्त के साथ, वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक केस लॉ था किसका? लक्ष्मी शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, ठीक है। क्या होता, एक राजा का भतीजा गुम जाता, ठीक है। तो उसका जो आदमी है, राजा का जो सिपाही है, वो चले जाता भतीजे को ढूंढने के लिए, एकदम सेना वेना लेके, और भतीजे को ढूंढ लेता। जब ये ढूंढने को निकला तो राजा ने पीछे से अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 सोने के कॉइंस दिए जाएंगे, बराबर। आओ, अब यह आदमी ने ढूंढ के तो लेके आया, सिपाही ने, वो राजा का भतीजा ढूंढ के लेके आया, पर सिपाही को अभी तक वो ऑफर के बारे में पता नहीं था। सिपाही को अभी तक वो ऑफर के बारे में पता नहीं था। वो सिपाही आता है, बोले राजा साहब ये रहा आपका भतीजा। बाद में सिपाही को पता चलता है कि राजा ने 500 सोने के कॉइन्स का ऑफर रखा था। उसको मुंह के अंदर, मन में लड्डू फूटता है, उसके मन के अंदर लड्डू फूटता है, मुंह के अंदर पानी आता है कि 500 सोने के कॉइन्स मिलेंगे। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा राजा के पास जाता है, बोलता है मेरे को मेरा गिफ्ट चाहिए। तो राजा बोलता कैसे? बोले देखो तुमने ऑफर दिया था जो ढूंढ के लाएगा, मैंने ढूंढ के लाया,
मेरे को गिफ्ट दो, पर राजा बोलता है ये बावले तेरे को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो तू उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो लिखा है वहां पे एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट करते हो आपको ऑफर पता चले बिना तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर आपको पता होना चाहिए। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, एक्सप्रेसली बोला है मैंने या लिख के दिया है, एक्सप्रेस में राइटिंग भी आता ओरल भी आता, और इंप्लाइड मतलब इंप्लाइड है एक्शन से, ठीक है ना। मैं बहुत ही चिपक रहा उसको, उसको समझ गया मैंने बोला मम्मी से बात किया वगैरह वगैरह बताया मैंने अपनी बातों से अपनी हरकतों से, तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड ऑफर, ठीक है ना। मे बी राइटिंग में हो सकता, ओरल हो सकता, मे बी मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय कंडक्ट पॉजिटिव एक्ट्स और साइंस, ठीक है ना। मे बी स्पेसिफिक मे बी जनरल, स्पेसिफिक मतलब मेरे को तेरे से शादी करना है, ये क्या है स्पेसिफिक ऑफर है। इसको एक्सेप्ट कौन कर सकता, वही जिसको दिया गया है, ठीक है ना। मैंने बोला, मैंने उसको बोला कि मेरे को तेरे से शादी करना है, ठीक है ना। उसकी फ्रेंड आके बोल थोड़ी सकती कि हाँ मेरे को करना है, मैं करती, जमेंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर था, तो जिसको दिया गया वही एक्सेप्ट कर सकता, ठीक है। जनरल ऑफर क्या रहता, जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता, स्वयंवर वाला। मैंने बोला प्रणव जांडव को शादी करना है, स्वयंवर रचाया है, कोई भी आ सकता, कोई भी आ सकता, ठीक है। अब सर स्पेसिफिक ऑफर को डेफिनाइट पर्सन को दिया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, ये एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसको ये ऑफर दिया गया। बट अगर मैं जनरल ऑफर की बात करूं तो ये पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है ऑफर, और इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सबके लिए खुला है, मंदिर ये हमारा, वैसे वाली बात होती है जनरल ऑफर की, बराबर। अब सर पहले तो आपने बोला कि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए, मैंने बोला बराबर, ऑफर के साथ चाहिए सर एक्सेप्टेंस, बराबर है। अब आप बोल रहे कि अगर ऑफर जनरल रहा तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे आएगा, मतलब मैंने समझा नहीं। सर देखो कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि तुमने ऑफर दिया, ठीक है ना, और वो जनरल ऑफर है, तो क्या हर बच्चा आके बताएगा या हर आदमी जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है आके बताएगा मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये तो अपन पब्लिक एट लार्ज को देते, समझ रहे हो बात को, नहीं समझे, ठीक है। एग्जांपल समझा रहा हूं, मैंने ऑफर दिया कि भैया सीएमए इंटरमीडिएट पहले 100 बच्चों के लिए सीएमए इंटरमीडिएट का जो लॉ है वो 3000 रुपए में आएगा, आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे, सर सर मेरे को मंजूर है, मेरे को मंजूर है, ऐसा नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑफर की, उसको फुलफिल कर लो, एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाएगा। जैसे आप गए, आपने एप्लीकेशन में से खरीदा, आपने पेमेंट किया, डन। तो जो जनरल ऑफर होता है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो ऑफर की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर लो, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहां पे, हाउ टू एक्सेप्ट जनरल ऑफर बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस अटैच्ड टू द ऑफर। ऑफर की जो कंडीशंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर में इंक्लूडेड है, वो कंडीशंस फुलफिल कर लो, ऑफर हो जाएगा। यहां से एक और बात निकल के आती है, मतलब ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है, ऑफर जो है कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस रहा तो उसको बोलेंगे काउंटर ऑफर। जय हो। Anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer. Thus, performance of the condition of an offer is an acceptance of the proposal. Relevant case law, Lakshmi Shukla, Carlyle versus Carboli case law. ठीक है? अब Lakshman Shukla versus Gauridat. ये case law में ऐसा हुआ था. ठीक है? राजा का. अब एक Carlyle versus Carboli case law था. इसके अंदर क्या हुआ था? बताओ. एक company थी, Carboli Smoke Mall. वो बोलती थी कि भैया ये इसका सेवन करके, ये अगर आपने खाया और किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको पैसे वापस देंगे, बराबर। ये उन्होंने ऑफर रखा था कि भाई हमारी, मान के चलो किसी एक कंपनी ने दवाई बनाई और बोले ये दवाई खा के अगर आपको फ्लू हुआ तो आपका पूरा इलाज का खर्चा हम करेंगे, बराबर। अब लोगों ने खाया और मेरे को फ्लू हो गया, मान के चलो मेरे को फ्लू हो गया, तो मैंने कंपनी को बोला ओ मेरे को फ्लू हो गया, मेरे इलाज का खर्चा तुम दो, तो कंपनी बोली अरे हमने ऑफर दिया था तुमने एक्सेप्ट कहा गया। मैंने बोला ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ये मैंने खाई, मैंने खाया दवाई,
फ्लू हुआ मेरे को, अब पैसे दो इलाज के, ऐसा कंडीशनल हो सकता है, बता दिया है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं बताऊंगा ध्यान से सुनो। ऑफर के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं रहनी चाहिए, ऑफर के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं रहनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस बन जाता है, जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस बन जाता है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। हंगामा मूवी याद है आपको, वो मूवी का सीन याद करो जब वो हॉस्पिटल के अंदर रहती वो लड़की, क्या नाम है उसका मेरे को याद नहीं हीरोइन का, और इधर से अपने अक्षय खन्ना सर बोलते, अंजलि वाली मूवी थी हंगामा, देखी नहीं होंगी तो देख लेना, बहुत जोरदार पिक्चर है, ठीक है ना, परेश रावल की है और उसकी बीवी रहती और ये अक्षय खन्ना रहता, और कोई वो लड़की का नाम कह रहे हैं, नहीं नहीं वह लड़की लड़की अंजलि, उसका नाम नहीं पता यार मेरे को, एक्ट्रेस वो ठीक है, इतनी खास नहीं है एक्ट्रेस, खास नहीं है बट मूवी अच्छी है, वो देखना सर, नहीं तो हम तो आजकल पिक्चर हीरोइनों के लिए देखते, बोले यार आप, मैं बोला वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या सीन क्या था, हॉस्पिटल के अंदर रिमी सेन, हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि रिमी सेन उसका नाम रहता। तो सर उसमें क्या सीन रहता, ये लड़की रहती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर पब्लिक फोन यूज करना अलाउड नहीं रहता पब्लिक के लिए, पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो इधर से ये अपना फोन करता अक्षय को खन्ना उसको कि तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अंजलि मैं जानता हूँ कि दिल ही दिल में तुम भी मेरे से प्यार करती हो, अगर तुम मेरे से प्यार करती हो। तो वो लड़की कुछ बोलती नहीं, तो इसको लगता कि उसका बाप होगा घर पे, ठीक है। तो ये क्या बोलता, इधर से डायलॉग मारता, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कुछ मत बोलो, फोन काट दो। उधर से नर्स आती और चिल्लाती, ए तुमको कितने बार बोला है कि हॉस्पिटल का फोन यूज नहीं करना, और भक्के से फोन काट डालती। मतलब लड़की का हां नहीं था बट फोन कट गया, और ये बावले को लगा कि वो मेरे से प्यार करती है, यस यस यस। ऐसा नहीं जमता, ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑफर आप दे नहीं सकते उसको कि भैया कि देख तूने अगर ये कंप्लाई नहीं किया तो मैं मानूंगा कि हवा है। तुमने उसको मैसेज किया, तुमने उसको टेक्स्ट किया व्हाट्सएप, ठीक है, आई लव यू एंड इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन टू डेज आई विल एक्सेप्ट, आई विल अज्यूम कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मैं सीधा बारात लेके आ जाऊंगा। चलेगा कैसे, चलेगा। और मान के चलो वो दो दिन उसका मोबाइल फूट गया था, उसने रिपेयर को दिया, उसने दो दिन देखा ही नहीं, तुम सीधा तीसरे दिन उसके घर पे बारात लेके गए, जमेगा क्या? नहीं। ऑफर में ऐसी कोई कंप्लायंस कंडीशन नहीं होना चाहिए कि भैया तूने ये नहीं किया, जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस बन जाता है। ऑफर के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि भैया ये तूने नहीं टर्म, ये तूने कंप्लाई नहीं किया, तूने ये नहीं किया तो मैं मानूंगा कि एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए, ऑफर और इनविटेशन, ऑफर टू ऑफर दो अलग अलग चीजें रहती, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर दो अलग अलग चीजें रहती। इनविटेशन टू ऑफर मतलब आप सिर्फ इन्वाइट कर रहे हो लोगों को कि आओ हमको ऑफर दो, जैसे ऑक्शन सेल के केस में होता है। ऑक्शन सेल के केस में क्या होता है बेटा, जो एडवर्टीजमेंट न्यूज पेपर में आती है ना वो ऑफर नहीं रहती, वो इनविटेशन रहता है आपको कि भैया देखो ये टाइम पे ऑक्शन है, आप आओ और हमको अपना ऑफर दो, आप जाके बीड करते 5 लाख, बराबर। अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो 1 2 3 तीसरा ठोका मार देगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वो तुम्हारी जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑफर था और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो 5 लाख में मेरे को चीज दे दो। वो क्या रहता, इन्विटेशन टू ऑफर रहता। मॉल के अंदर जो डिस्प्ले के लिए पिक्चरें लगी हुई रहती, पिक्चरें बोल रहा, कपड़े लगे हुए रहते, डायमंड्स लगे हुए रहते, वो क्या रहते, इनविटेशन टू ऑफर। मान के चलो अपना इमरान हाशमी, जो जन्नत मूवी है मेरे को बहुत पसंद है, उसके अंदर वो रिंग लेने गया, वो क्या नाम है उसका, जोया के लिए, सोनल चौहान के लिए, ठीक है, जोया नाम था उसकी मूवी के अंदर उसका। वो रिंग लेने गया, रिंग देखा उसने और वो रिंग उठाई, यूनिक पीस था, 10 लाख रुपए की रिंग थी, उसने रिंग उठाई और गया, वहां पे लिखा था 10 लाख रुपए प्राइस, वो रिंग उठाई और सीधा काउंटर पे गया, बोली ये रिंग मेरे को चाहिए। काउंटर वाले ने बेचने से मना कर दिया, बोले सर नहीं बेचेंगे हम, नहीं बेचेंगे ये, बोले एक सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, ये रिंग आपको नहीं देंगे। इमरान हाशमी बोलता वो ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट किया दो, वो बोलता सर वो सिर्फ इन्विटेशन था कि आओ हमको ऑफर दो, अगर हमको लग रहा कि ये बेचना है तो हम बेचेंगे, हमको लग रहा नहीं बेचना है तो हम नहीं बेचेंगे, आप हमारा कुछ नहीं उगाड़ सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है सर ये गलत है, ये सही है, ठीक है। आप होटल के अंदर जाते, जो मेन्यू कार्ड है वो क्या रहता, वो ऑफर नहीं रहता, वो इनविटेशन रहता कि हमको ये ऑफर दो। आप ऑर्डर देते, एक पनीर भुर्जी प्लीज,
उसने बोला नहीं पनीर खत्म हो गए, तो तुम ये बोल सकते क्या उसको, तूने तो याद है कि ये इसके अंदर लिखा है ना, ये ऑफर है, मैंने एक्सेप्ट किया ना पनीर भुर्जी चाहिए करके, तो तू लाके दे नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो प्राइस लिस्ट है, जो मेन्यू कार्ड है, वो इन्विटेशन टू ऑफर रहता, वो सिर्फ आपको इन्विटेशन रहता कि हमको ऑफर दो, हमारे पास है अवेलेबल, हमको बेचना है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता? जब ये आगे वाले तक पहुंच जाता, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन जिसको ये किया गया है। ठीक है, पीसी नोट, ऑफर कंटिन्यूज एज सच अंटिल इट लैप्सेस और रिवोक्ड बाय द ऑफरर और रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। ऑफर कब तक कंटिन्यू रहता? जब तक वो लैप्स हो जाता। मैंने उसको ऑफर दिया था मेरे को शादी करना है, तो ये ऑफर कब तक चलेगा? जब तक, एक तो क्या ऑप्शन है, उसने मेरे को बोल दिया हाउ, उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये ऑफर प्रॉमिस बन गया। ठीक है, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने चप्पल मारा मेरे मुंह पे, भग चल भग बले, अपना मुंडा देखा है तूने, आ गया मुंह उठा के, शादी करना है, उसने रिजेक्ट कर दिया, ऑफर खत्म। जब तक रिजेक्ट नहीं करती ऑफर कंटिन्यू है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करती ऑफर कंटिन्यू है, एक्सेप्ट करने के बाद ऑफर खत्म होता। या मैंने खुद ने वापस ले लिया, मैंने बोला दूसरी भेट गई, दूसरी मिल गई, मैंने बोला नहीं 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 ठीक है सॉरी सॉरी अब नहीं शादी करना, मैंने रिवोक कर दिया उसके एक्सेप्ट करने से पहले, या ये लैप्स हो गया, मतलब 6 महीने रुका मैं उसके लिए, उसने कुछ बोला ही नहीं, तो ये ऑफर लैप्स हो गया, मैंने दूसरे से शादी कर लिया, मैं थोड़ी रुकते बैठूंगा ना देर लिए, और मतलब 15 साल बाद बोलेंगी आई लव यू टू, मैंने आज आई लव यू बोला, वो आई 15 साल बाद आई लव यू टू, मैंने बोला थैंक यू दीदी मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना, ओके। फिर अब ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस अपन कल करते हैं, एक्सेप्टेंस वैसे तो मैंने जनरली सारा लगभग कवर कर दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कल करते हैं अपन। ठीक है, आज तक की चीजें, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, ये दो बार लिख लेना बस बात खत्म, ये एक ऑफर का लिखने का है आपको, फिर ये आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये लिखने के, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं 4 से 6 मार्क का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको लिखने का है, ये आपको डायलॉग लिखने का है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर होल ऑफ एग्रीमेंट नॉर होल ऑफ ऑब्लिगेशन। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मैच द पेयर में आ सकता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब वो प्रॉमिस जो एक मेक का कंसिडरेशन होते हैं। ठीक है, जसिन रेम जसिन परतम क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये आ सकता शॉर्ट नोट के लिए, ये उबिजस इबी रेमेडियम मतलब जहां राइट है वहां रेमेडी है, इतना ही अपना हुआ है। ठीक है बेटा, 3 ही पेज पढ़ाए आज के अंदर जोरदार में, पर आपको एक ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दे दिया। कल अपन कॉन्ट्रैक्ट लगभग ये जो आपका कॉमन वाला पार्ट है फाउंडेशन का वो खत्म कर देंगे। मैं जानता हूं आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, बट स्टिल मेरे को चाहिए था कि आप मेरे टेक्निक से एक बार पढ़ो तो आपको और मजा आए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, कल मिलते हैं। और प्लीज मेक श्योर ये जो भी चीजें हैं आप इसको लिखते रहिए, क्योंकि जब तक बेटा लॉ लिखोगे नहीं तो लॉ याद नहीं होगा, और जब तक लॉ याद नहीं होता है तब तक मार्क्स नहीं आते। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।